हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, उस फिल्म का नाम है रंगा सतलम। दोस्तों, रंगा सतलम फिल्म को आप YouTube पर अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप इस फिल्म को कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं, कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं और कौन से YouTube चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में फिल्म का एक रिव्यू भी करेंगे, फिल्म की स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे, फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्ट कास्ट के बारे में भी डिटेल देंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रंगा सतलम एक 2018 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी शोक कुमार ने की और इसे मैत्री मूवीज की कंपनी के मावन किरदारों में प्रकाश राज, नरेश और प्रोड्यूस करदा। इस फिल्म में रामचरण और संता रोत प्रभु के साथ मेकर रंगा सतलम 1980 की दहाई में नामी अफसानवी गांव में तरतीब दिया गया है। इसमें दो भाइयों चट्टी बाबू चरण और कुमार बाबू की कहानी बयान की गई है, जो गांव के मकामी हुकूमत और इसके सदर हेंद्रा भोपती बाबू की क्यादत में बदनवान को ऑपरेटिव सोसाइटी की मुखालफत करते हैं। शो कुमार ने नाना कोपर या 2016 को मुकम्मल करने के बाद फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया और अर्थना वुल्लू के साथ तावन किया, जिन्होंने फोटोग्राफी के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। देवी श्री प्रसाद कैमरों का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर शूटिंग की जाने वाली पहली चंद हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक रंगा सतलम की प्रिंसिपल के ने फिल्म का साउंड ट्रैक और स्कोर बनाया। नौमी ने फिल्म को एडिट किया। रेड हेलियम आर्ट के साथ शुरू हुई और मार्च 2018 तक जारी रही। बड़े पैमाने ने एक गांव में फिल्माया गया, जिसकी मालियत 5 करोड़ रुपए की लागत से हैदराबाद में तामीर की गई थी। RC11 फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में वर्किंग टाइटल फिल्म की फोटेज का फीसद राजमंदरी और इसके आस पास शूट किया गया था। ये फिल्म 160 करोड़ के बजट पर बनाई गई थी और 30 मार्च 2018 को आलमी तौर पर रिलीज हुई थी। रंगा सतलम को नाकदमी की तरफ से मुस्बत जायजे मिले, जिन्होंने शो कुमार की तहरीर और जोड़ कास्ट की अदाकारी को खास तौर पर सराहा। खास तौर पर रामचरण और जगवती बाबू की ये फिल्म तजारती तौर लिहाज से कामयाबी रही। इसने कुल 216 करोड़ की कमाई की और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले तेलुगु फिल्म में शामिल है। इसने बेहतरीन ऑडियोग्राफी का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता था। रंगा सतला नामी फिल्म को कट्टर जबान में डब शुदा वर्जन 12 जुलाई 2019 को रिलीज हुआ था। फिल्म की लेमिनेशन की तरफ से अशरे की 25 अजीम तरीन तेलुगु फिल्मों से एक समझा जाता है। दोस्तों, इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुकुमार। अब हम आपको फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात बताने लगे हैं कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, कौन जो मेरे करदादा कर रहे हैं, फिल्म लागत के क्या है, इसने कितना बिल किया, फिर जो आपको बताने वाले हैं। इसके बाद फिर हमें कास्ट बताएंगे कि फिल्म कौन है, इसने क्या करदा अदा किया, फिर इसके बाद फिल्म की आखिर में पोस्टर भी बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है सुकुमार। राइटर भी यही ही है सुकुमार। प्रोड्यूस्ड बाय जिसने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वह है वाई नवीन और उसके साथ वाई रवि शंकर भी इनका साथ दे रहे हैं और सी वी मोहन ने भी इनका साथ दिया। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है जी रामचरण, उसके बाद समीटा इकी निंडी आदि पिनी सिटी। अगर सिनेमोग्राफी की बात कर ले तो सिनेमोग्राफी जिसने की है वो है जी आर रत्थन
विलू एडिट, जिसने इस फिल्म को एडिट किया, उनका नाम है नवीन लूली। म्यूजिक बाय डेवी श्री प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर रहे हैं तो मैथुरी मूवी मेकर। डिस्ट्रीब्यूट बाय अरोस इंटरनेशनल। वाइड रिलीज नीडेड। रिलीज की जो डेट है वो है जी 30 मार्च 2018। इसका जो रनिंग टाइम है वो 174 मिनट का है, यानी 3 घंटे के लगभग की मूवी है। भारत में इसको रिलीज किया गया, तेलुगु जबान में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 60 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस भी किया। 60 करोड़ की लागत से 200 करोड़ का इसने बिजनेस किया। हम बात करते हैं कि इस फिल्म में कौन है जो क्या करता आपको नजर आएगा। दोस्तों रामचरण बतौर चिलू बीना चिट्टी बाबू के रोल में आपको नजर आएंगे। समंथा बतौर राम लक्ष्मी के रोल में आपको नजर आएंगे। आदि प्रिंसिटी बतौर चिल्लू बीना कुमार बाबू के रोल में नजर आएंगे। जगपति बाबू बतौर सदर पुनीतर भूपति। प्रकाश राज बतौर MLA। विक्षिणा मूर्ति नरेश तौर हो। टैपू राव रोहिणी बतौर गुंतम चट्टी बाबू कुमार बाबू चुन्नी की बारी। दोस्तों अगर इस फिल्म अच्छा जी, इसके अलावा और भी कुछ है नाम जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनमें दोस्तों अजय घोष बतौर शिशु नीडू, महेश चनाता बतौर महेश, शत्रु बतौर काशी कुमार बाबू और चन्नी, चट्टी चट्टी बाबू का खैर हवा, उमत शर्मा बतौर श्रीमना नाइन, नागा महेश राम लक्ष्मी के वालिद के ऊपर, छत्रपति शेखर बतौर गणपति, एक सुनत चौपटी बाबू को भुक्ति के बारे में खूब देता है। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की तरफ नजर दौड़ाएं तो हम स्टोरी में ये देखेंगे कि एक मुख्तसर मजाज चिट्टी बाबू जिसकी समाज की जज्वी खराबी है, एक गांव रंगा सतलम का शहरी है जिसके बाशिंदे इसकी पंचायत के जुल्म सत्तर भुक्ति के महताज शिकार है। चिन्नई बाबू एक मुख्तसर मजाज चिट्टी बाबू जिसकी समाज एक जज्वी खराबी है, एक गांव रंगा सतलम का शहरी है जिसके बाशिंदे इसकी पंचायत के जालिम जुल्म हिंदरा भुक्ति के महताज शिकार है। चट्टी बाबू जो अपने स्टूडेंट महेश के साथ मिलकर अपने दोस्त और नाम रखने वाले आंटी कोली रगमक की मोटर से गांव वालों के जराई खेतों को शराब करके रोजी रोटी कमाते हैं। अपने बड़े भाई कुमार बाबू की लिंच फोर्स के इलाके से अपने आबाई शहर वापस आने के बाद यहां वो मुलाजमत के लिए गए थे। चट्टी बाबू हफ्ते के दौरान इनके साथ अपनी मोहब्बत का लहजा बरसरू की एक देहाती की फसल इस पर काबिज कर ली जाती है और इसके खानदान ने रंगा सतरंग की को अपडेट सोसाइटी से कर्ज लिया था। इसे वापस नहीं कर चट्टी बाबू एक देहाती के घर से सांप से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए लक्ष्मी से मिलता है और इससे प्यार करता है लेकिन अपनी खराबी को छुपाता है। कुमार बाबू को ये जानकर मायूसी हुई कि ऑपरेटिव सोसाइटी देहातियों की अक्सर की नाखानदगी का इस्तेमाल करते हुए दिए गए कर्जों पर ज़्यादा सूद वसूल करती है, इन्हें कर्जों के जाल में धकेलती है और इनकी फसलों या जमीनों को गैर अदाशुदा कर्जों के बहाने हथियार ये सब भुक्ति चलाता है जिससे गांव वाले डरते हैं। चट्टी बाबू आधी रात को रामा लक्ष्मी से मिलने के लिए इसे घर में घुस जाता है लेकिन छुपके से इसके घर वालों के हाथों पकड़ जाता है। चट्टी बाबू लक्ष्मी के वाले से कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन रामा लक्ष्मी ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। हिम्मत नहीं थी जिसकी वजह से चट्टी बाबू इस वक्त करने लगे। इससे पता चलता है कि चट्टी बाबू की समाज की खराबी है और इसके लिए अपनी नापसंदगी बरकरार रखते हुए इसका पीछा करना शुरू कर दिया है। रामा लक्ष्मी इतनी पढ़ लिखी है कि इसके वालिद ने
अपलेटो सोसाइटी से जो कर्ज लिया था वो इसकी अनजहानी वालदा ने अदा किया था। कुमार बाबू को पता चलता है कि खातों को आस पास इसलिए बढ़ाया गया ताकि इससे ऐसा लगता है कि अपलेटो सोसाइटी ने राम लक्ष्मी से कर्ज लिया, कर्ज दोगुना कर्ज दिया था। कुमार बाबू का सामना को ऑपरेटिव सोसाइटी के मुलाजिम से होता है। इसके नतीजे में होने वाले तकरार में नादस्ता तौर पर इससे मार, अगरचे लोग हिचकिचाते हैं, वो कुमार बाबू की हिमायत करने का फैसला करते हैं और कुमार बाबू और चट्टी बाबू की जानब से ऑपरेटिव सोसाइटी की गैर मुनसफाना सरगर्मियों को बेनकाब करने के बाद खुद को वार्ड मेंबर नामजद करते हैं। चट्टी बाबू कुमार बाबू ने कुमार बाबू की हिमायत न करने पर रगमा का सामना किया, जिसके जवाब में इसने इंकशाफ किया कि वो जब गांव वालों ने भोपती किशोर और ईरा सरयू समेत इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोशिश की तो इन्हें बेदर्दी से मारा जाता है। अपने भाई के बारे में फिक्रमंद चट्टी बाबू भोपती से टिश्यू लेते हैं, क्योंकि इस अमल की वजह से गांव वाले अकेले बंदमा से मिलने के बाद राजमंदरी से वापस आते हुए कुमार बाबू को भोपती के आदमियों के हमले का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने इसे बेदर्दी से छुरा घोंपा, लेकिन चट्टी बाबू इसे बचाने में कामयाब हो जाता है और इसे सड़क के किनारे पर एक दुकान पर ले जाता है। जब चट्टी बाबू इमदाद के लिए कुछ सामान लेने गए थे, पहले से जख्मी कुमार बाबू को अब एक बार फिर बेनकाब होने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार बाबू ने पहले ऐसा नाम बोलने की कोशिश करता है जिसे चट्टी बाबू अपने बहरेपन की वजह से सुनने में नाकाम रहता है। चट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने गांव वापस ले जाता है। सबको परेशान छोड़कर उन्होंने भर्ती घर में तबाही मचा दी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो चट्टी बाबू से अपने बहरेपन की वजह से सुनने में नाकाम रहता है। चट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने गांव वापस ले जाता है। सबको परेशान छोड़कर उन्होंने भोपती के घर में तबाही मचा दी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो भाग गया। कुमार बाबू को इसके अहल खाना की तरफ से आंसू बहाकर आदमियों समेत अदा करने के बाद कत्ल के बारे में एक सुराग मिलने के बाद चट्टी बाबू परेशान वजूहत की बिना पर दक्षिणा मूर्ति के पास गया, लेकिन इसका एक हादसे कास्ट होता है। चट्टी बाबू ठीक होने तक दक्षिणा मूर्ति की तरफ झुकते हैं। 2 महीनों के बाद चट्टी बाबू राम लक्ष्मी के साथ दक्षिणा मूर्ति से मिलने जाते हैं, जो अपने घर में मुकम्मल तौर सेहतयाब हो चुकी है। जब दक्षिणा मूर्ति ने भोपती के बारे में दरख्वास्त किया तो चट्टी बाबू ने इंकशाफ किया कि इसने शिकार करके इसे बेदर्दी से मारा था। इसके अलावा इसने इंकशाफ किया कि वो जनूबी मूर्ति के स्टूडेंट सेक्रेट हाइन के पीछे चला गया, जिसने धमकी दिए जाने पर इतराफ किया कि कुमार बाबू कत्ल के बारे में कत्ल की मनसूबाबंदी करने वाले दक्षिणा मूर्ति थी। दक्षिणा मूर्ति ने ऐसा करने का इतराफ किया क्योंकि वो जांच 45 और नहीं चाहता था कि किसी निजली जात के शख्स के साथ मुलाकात में रहे। चट्टी बाबू आखिर और लाख लक्ष्मी के साथ अमारत से निकल जाता है जब वो और राम लक्ष्मी के साथ अमारत से निकल जाता है और जब पद्मा को वो अपने शोर के साथ आते हुए देखते हैं। दोस्तों, रंगा सतलम एक 2018 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी सो कुमार ने की है और इसे मैत्री मूवीज की कंपनी के मावन किरदारों में प्रकाश राज, नरेश और प्रोड्यूस करदा। इस फिल्म में रामचरण और संता रोत प्रभु के साथ
कर रंगा सत्रम 1980 की दहाई में नामी अफसानवी गांव में तरतीब दिया गया है। इसमें दो भाइयों चट्टी बाबू चरण और कुमार बाबू की कहानी बयान की गई है, जो गांव के मकामी हुकूमत और इसके सदर हेंद्रा भोक्ती बाबू की क्यादत में बदनवान को ऑपरेटिव सोसाइटी की मुखालफत करते हैं। सो कुमार ने नाना कोपर या 2016 को मुकम्मल करने के बाद फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया और अर्थना गुल्लू के साथ तआवुन किया, जिन्होंने फोटोग्राफी के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। देवी श्री प्रसाद कैमरों का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर शूटिंग की जाने वाली पहली चंद हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक रंगा सत्यलम की प्रिंसिपल के ने फिल्म का साउंड ट्रैक और स्कोर बनाया। नौमी ने फिल्म को एडिट किया। रेड हेलियम आर्ट के साथ शुरू हुई और मार्च 2018 तक जारी रही। बड़े पैमाने ने एक गांव में फिल्माया गया, जिसकी मालियत 5 करोड़ रुपए की लागत से हैदराबाद में तामीर की गई थी। RC11 फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में वर्किंग टाइटल फिल्म की फोटेज का फीसद राजमंदरी और इसके आस पास शूट किया गया था। ये फिल्म 60 करोड़ के बजट पर बनाई गई थी और 30 मार्च 2018 को आलमी तौर पर रिलीज हुई थी। रंगा सत्यलम को नाकदमी की तरफ से मुस्बत जायजे मिले, जिन्होंने सो कुमार की तहरीर और जोड़कास्ट की अदाकारी को खास तौर पर सराहा। खास तौर पर रामचरण और जगबत्ती बाबू की ये फिल्म तजारती तौर लिहाज से कामयाबी रही। इसने कुल 216 करोड़ की कमाई की और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले तेलुगु फिल्म में शामिल है। इसने बेहतरीन ऑडियोग्राफी का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता था। रंगा सत्यला नामी फिल्म को कट्टर जबान में डब शुदा वर्जन 12 जुलाई 2019 को रिलीज हुआ था। फिल्म को फिल्म की लेमिनेशन की तरफ से अशरे की 25 अजीम तरीन तेलुगु फिल्मों से एक समझा जाता है। दोस्तों, इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुकुमार। अब हम आपको फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात बताने लगे हैं, किस फिल्म को इसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, कौन जो मेरे दादा करें, फिल्म लागत के क्या आई, इसने कितना बिल किया, फिर जो आपको बताने वाले हैं। इसके बाद फिर हमें कास्ट बताएंगे, फिल्म कौन है, इसने क्या किरदार अदा किया, इसके बाद फिल्म की आखिर में आपको स्टोरी भी बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है सुकुमार। राइटर भी यही ही है सुकुमार। प्रोड्यूस्ड बाय जिसने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वह है वाई नवीन और उसके साथ वाई रवि शंकर भी इनका साथ दे रहे हैं और सी वी मोहन ने भी इनका साथ दिया है। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है जी रामचरण, उसके बाद समीटा इकी निंडी आदि पिनी सिटी। अगर सिनेमोग्राफी की बात कर ले तो सिनेमोग्राफी जिसने की है वो है दी और रत्थन वीलू। एडिट जिसने इस फिल्म को एडिट किया उनका नाम है नवीन नूली। म्यूजिक बाय देवी श्री प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर रहे हैं तो मैथुरी मूवी मेकर। डिस्ट्रीब्यूट बाय अरोस इंटरनेशनल वाइट रील्स नीडेड। रिलीज की जो डेट है वो है जी 30 मार्च 2018। इसका जो रनिंग टाइम है वो 174 मिनट का है, 3 घंटे के लगभग की मूवी है। भारत में इसको रिलीज किया गया, तेलुगु जबान में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 60 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस भी किया। 60 करोड़ की लागत से 200 करोड़ का इसने बिजनेस किया। हम बात करते हैं कि इस फिल्म में कौन है जो क्या किरदार करता आपको नजर आएगा। दोस्तों, रामचरण बतौर चिलू बीना चिट्टी बाबू के रोल में आपको नजर आएंगे। समंथा बतौर राम लक्ष्मी के रोल में आपको नजर आएंगे। आदि प्रिंसिटी बतौर चिल्लू बीना कुमार बाबू के रोल में नजर आएंगे। जगपति बाबू बतौर सदर पुनीतर भूपति। प्रकाश राज बतौर MLA विक्षिणा मूर्ति। नरेश तौर को टैपू राव। रोहिणी बतौर गंतुम चट्टी बाबू कुमार बाबू सुनने की भाई।
दोस्तों अगर इस फिल्म में, अच्छा जी इसके अलावा और भी कुछ है नाम जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ इनमें दोस्तों अजय घोष बतौर शिशु नीडू महेश चनाता बतौर महेश शत्रु बतौर काशी कुमार बाबू और चन्नी चट्टी चट्टी बाबू का खैर हवा उमते शर्मा बतौर श्रीमना नाइन नागा महेश राम लक्ष्मी के वालिद के ऊपर चित्रवती शेखर बतौर गणपति एक सुनत चौपटी बाबू को भुक्ति के बारे में खूब रहा। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की तरफ नजर दौड़ाएं तो हम स्टोरी में ये देखेंगे कि एक मुख्तसर मजाज चिट्टी बाबू जिसकी समाज की जज्बी खराबी है एक गांव रंगा सतलम का शहरी है जिसके बाशिंदे इसकी पंचायत के जुल्म सत्तर भुक्ति के महताज शिकार है। चट्टी बाबू जो अपने स्टूडेंट महेश के साथ मिलकर अपने दोस्त और नाम रखने वाले आंटी कोली रगमा की मोटर से गांव वालों के जराई खेतों को शराब करके रोजी रोटी कमाते हैं अपने बड़े भाई कुमार बाबू की लिंच फोर्स के इलाके से अपने आबाई शहर वापस आने के बाद यहां वो मुलाजमत के लिए गए थे। चट्टी बाबू हफ्ते के दौरान इनके साथ अपनी मोहब्बत का लहजा इरसरू की एक देहाती की फसल इस पर काबिज कर ली जाती है और इसके खानदान ने रंगा सतरंग की को अपडेट सोसाइटी से कर्ज लिया था इसे वापस नहीं कर। हाँ चट्टी बाबू एक देहाती के घर से सांप से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए लक्ष्मी से मिलता है और इससे प्यार करता है लेकिन अपनी खराबी को छुपाता है। कुमार बाबू को ये जानकर मायूसी हुई कि ऑपरेटिव सोसाइटी देहातियों की अक्सर की नाखानदगी का इस्तेमाल करते हुए दिए गए कर्जों पर ज़्यादा सूद वसूल करती है इन्हें कर्जों के जाल में धकेलती है और इनकी फसलों या जमीनों को गैर अदाशुदा कर्जों के बहाने हथियार ये सब भुगती चलाता है जिससे गांव वाले डरते हैं। चट्टी बाबू आधी रात को रामा लक्ष्मी से मिलने के लिए इसे घर में घुस जाता है लेकिन छुपके से इसके घर वालों के हाथों पकड़ जाता है। चट्टी बाबू लक्ष्मी के वाले से कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन रामा लक्ष्मी ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। हिम्मत नहीं थी जिसकी वजह से चट्टी बाबू इस वक्त करने लगे। इससे पता चलता है कि चट्टी बाबू की समाज की खराबी है और इसके लिए अपनी नापसंदगी बरकरार रखते हुए इसका पीछा करना शुरू कर दिया है। रामा लक्ष्मी इतनी पढ़ लिखी है कि इसके वालिद ने ऑपरेटिव सोसाइटी से जो कर्ज लिया था वो इसकी अनजहानी वालदा ने अदा किया था। कुमार बाबू को पता चलता है कि खातों को आस पास इसलिए बढ़ाया गया ताकि इससे ऐसा लगता है कि ऑपरेटिव सोसाइटी ने राम लक्ष्मी से कर्ज लिया कर्ज दोगुना कर्ज दिया था। कुमार बाबू का सामना को ऑपरेटिव सोसाइटी के मुलाजिम से होता है इसके नतीजे में होने वाली तकरार में नाजस्ता तौर पर इससे मारा। अगरचे लोग हिचकिचाते हैं वो कुमार बाबू की हिमायत करने का फैसला करते हैं और कुमार बाबू और चट्टी बाबू की जानब से ऑपरेटिव सोसाइटी की गैर मुनसफाना सरगर्मियों को बेनकाब करने के बाद खुद को वार्ड मेंबर नामजद करते हैं। चट्टी बाबू कुमार बाबू की हिमायत न करने पर रगमा का सामना किया जिसके जवाब में इसने इंकशाफ किया कि वो जब गांव वाले ने भुक्ति किशोर और ईरा सर यू समेत इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोशिश की तो इन्हें बेदर्दी से मारा जाता है। अपने भाई के बारे में फिक्रमंद चट्टी बाबू भुक्ति से किशोर लेते हैं क्योंकि इस अमल की वजह से गांव वाले अकेले बंदमा से मिलने के बाद
राजमंदिरी से वापस आते हुए कुमार बाबू को भोपति के आदमियों के हमले का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने इसे बेदर्दी से छुरा घोंपा, लेकिन चट्टी बाबू इसे बचाने में कामयाब हो जाता है और इसे सड़क के किनारे पर एक दुकान पर ले जाता है। जब चट्टी बाबू इताई तिबी इमदाद के लिए कुछ सामान लेने गए थे, पहले से जख्मी कुमार बाबू को अब एक बार फिर बेनकाब होने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार बाबू ने पहले ऐसा नाम बोलने की कोशिश करता है जिसे चट्टी बाबू अपने बहरेपन की वजह से सुनने में नाकाम रहता है। चट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने गांव वापस ले जाता है। सबको परेशान छोड़कर उन्होंने वर्दी घर में तबाही मचा दी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो चट्टी बाबू से अपने बहरेपन की वजह से सुनने में नाकाम रहता है। चट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने गांव वापस ले जाता है। सबको परेशान छोड़कर उन्होंने भोपति के घर में तबाही मचा दी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो भाग गया। कुमार बाबू को इसके अहल खाना की तरफ से आंसू बहाकर आदमियों समेत अदा करने के बाद कत्ल के बारे में एक सुराग मिलने के बाद चट्टी बाबू परिसर वजुहात की बिना पर दक्षिणा मूर्ति के पास गया, लेकिन इसका एक हास्य कास्ट होता है। चट्टी बाबू ठीक होने तक दक्षिणा मूर्ति की तरफ झुकते हैं। 2 महीनों के बाद चट्टी बाबू राम लक्ष्मी के साथ दक्षिणा मूर्ति से मिलने जाते हैं, जो अपने घर में मुकम्मल तौर सेहतयाब हो चुकी है। जब दक्षिणा मूर्ति ने भोक्ति के बारे में दरियाफ्त किया तो चट्टी बाबू ने इंकशाफ किया कि इसने शिकार करके इसे बेदर्दी से मारा था। इसके अलावा इसने इंकशाफ किया कि वो जुनूबी मूर्ति के स्टूडेंट सेक्रेट हाइन के पीछे चला गया, जिसने धमकी दिए जाने पर इतराफ किया कि कुमार बाबू को कत्ल के बारे में कत्ल की मसूबंदी करने वाले दक्षिणा मूर्ति थी। दक्षिणा मूर्ति ने ऐसा करने का इतराफ किया क्योंकि वो जांच 2045 और नहीं चाहता था कि किसी निजली जात के शख्स के साथ मुलाकात में रहे। चट्टी बाबू आखिर और लाख लक्ष्मी के साथ अमारत से निकल जाता है जब वो और राम लक्ष्मी के साथ अमारत से निकल जाता है और जब पद्मा को वो अपने शोर के साथ आते हुए देखते हैं। दोस्तों, रंगा सतलम एक 2018 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी सो कुमार ने की है और इसे मैत्री मूवीज की कंपनी के 52 किरदारों में प्रकाश राज, नरेश और प्रोड्यूस करदा। इस फिल्म में रामचरण और संता रोत प्रभु के साथ मेकर रंगा सतलम 1980 की दहाई में नामी अफसानवी गांव में तरतीब दिया गया है। इसमें 2 भाइयों चट्टी बाबू चरण और कुमार बाबू की कहानी बयान की गई है, जो गांव के मकामी हुकूमत और इसके सदर हेंद्रा भोपति बाबू की क्यादत में बदनवान को ऑपरेटिव सोसाइटी की मुखालफत करते हैं। शो कुमार ने नाना कोपर याथू 2016 को मुकम्मल करने के बाद फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया और अर्थना गुल्लू के साथ तावन किया, जिन्होंने फोटोग्राफी के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। देवी श्री प्रसाद कैमरों का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर शूटिंग की जाने वाली पहली चंद हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक रंगा सतलम की प्रिंसिपल के ने फिल्म का साउंड ट्रैक को स्कोर बनाया। नौमी ने फिल्म को एडिट किया। रेड हेलियम आर्ट के साथ शुरू हुई और मार्च 2018 तक जारी रही। बड़े पैमाने ने एक गांव में फिल्माया गया जिसकी मालियत 5 करोड़ रुपए की लागत से हैदराबाद में तामीर की गई थी। RC11 फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में वर्किंग टाइटल
फिल्म की फुटेज का फीसद राजमंदरी और इसके आस पास शूट किया गया था। ये फिल्म 160 करोड़ के बजट पर बनाई गई थी और 30 मार्च 2018 को आलमी तौर पर रिलीज हुई थी। रंगा सत्लम को नाकदनी की तरफ से मस्बा जायजे मिले, जिन्होंने शो कुमार की तहरीर और जोड़कास्ट की अदाकारी को खास तौर पर सराहा। खास तौर पर रामचरण और जगपति बाबू की ये फिल्म तजारती तौर लिहाज से कामयाबी रही। इसने कुल 216 करोड़ की कमाई की और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले तेलुगु फिल्मों में शामिल है। इसने बेहतरीन ऑडियोग्राफी का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता था। रंगा सतला नामी फिल्म को कट्टर जबान में डब शुदा वर्जन 12 जुलाई 2019 को रिलीज हुआ था। फिल्म को फिल्म की लेमिनेशन की तरफ से अशरे की 25 अजीम तरीन तेलुगु फिल्मों से एक समझा जाता है। दोस्तों, इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुकुमार। अब हम आपको फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात बताने लगे हैं कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, कौन जो मेरे को दादा करने फिल्म लागत के क्या इसमें कितने बिल क्या फिर जो आपको बताने वाले हैं। इसके बाद फिर हम कास्ट बताएंगे कि फिल्म कौन है, जिसने क्या किरदार अदा किया, इसके बाद फिल्म की आखिर में पोस्टर भी बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है सुकुमार। राइटर भी यही ही है सुकुमार। प्रोड्यूस्ड बाय जिसने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वह है वाई नवीन और उसके साथ वाई रावि शंकर भी इनका साथ दे रहे हैं और सी वी मोहन ने भी इनका साथ दिया है। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है जी रामचरण, उसके बाद समीटा इकी निंडी आदि पिनी सिटी। अगर सिनेमोग्राफी की बात कर ले तो सिनेमोग्राफी जिसने की है वो है जी आर रत्थन वीलू। एडिट जिसने इस फिल्म को एडिट किया उनका नाम है नवीन नूली। म्यूजिक बाय देवी श्री प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर रहे हैं तो मैथुरी मूवी मेकर। डिस्ट्रीब्यूट बाय अरोस इंटरनेशनल वाइड रील्स नीडेड। रिलीज की जो डेट है वो है जी 30 मार्च 2018। इसका जो रनिंग टाइम है वो 174 मिनट का है, यानी 3 घंटे के लगभग की मूवी है। भारत में इसको रिलीज किया गया, तेलुगु जबान में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत है वो 60 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस भी किया। 60 करोड़ की लागत से 200 करोड़ का इसने बिजनेस किया। हम बात करते हैं कि इस फिल्म में कौन है जो क्या करता आपको नजर आएगा। दोस्तों, रामचरण बतौर चिलू बीना चिट्टी बाबू के रोल में आपको नजर आएंगे। समंथा बतौर राम लक्ष्मी के रोल में आपको नजर आएंगे। आदि प्रिंसिति बतौर चिल्लू बीना कुमार बाबू के रोल में नजर आएंगे। जगपति बाबू बतौर सदर पुनीतर भूपति। प्रकाश राज बतौर MLA विक्षिणा मूर्ति। नरेश तौर को टैपू राव। रोहिणी बतौर गंतम चट्टी बाबू कुमार बाबू सुन्नी की बाई। दोस्तों, अगर इस फिल्म अच्छा जी, इसके अलावा और भी कुछ है नाम जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनमें दोस्तों अजय घोष बतौर शिशु नीडू महेश चनाता बतौर महेश शत्रु बतौर काशी कुमार बाबू और चन्नी चट्टी चट्टी बाबू का खैर हवा उमत शर्मा बतौर श्रीमना नाइन नागा महेश राम लक्ष्मी के वालिद के ऊपर छत्रपति शेखर बतौर गणपति एक सुनत चौपटी बाबू को भुक्ति के बारे में खूब रहता है। दोस्तों, अगर फिल्म की स्टोरी की तरफ नजर दौड़ाएं तो स्टोरी में ये देखेंगे कि एक मुख्तसर मजाज चिट्टी बाबू जिसकी समाज की जज्बी खराबी है एक गांव रंगा सतलम का शहरी जिसके बशिंदे इसकी पंचायत के जुल्म सत्तर भुक्ति के महताब शिकार है। चट्टी बाबू जो अपने स्टूडेंट महेश के साथ मिलकर अपने दोस्त और नाम रखने वाले आंटी
कोहली रगमा की मोटर से गांव वालों के जराई खेतों को शराब करके रोजी रोटी कमाते हैं। अपने बड़े भाई कुमार बाबू की लिंच फोर्स के इलाके से अपने आबाई शहर वापस आने के बाद यहां वो मुलाजमत के लिए गए थे। चट्टी बाबू हफ्ते के दौरान इनके साथ अपनी मोहब्बत का लहजा इरसरू की एक देहाती की फसल इस पर काबिज कर ली जाती है और इसके खानदान ने रंगा सतरंग की को अपरेट सोसाइटी से कर्ज लिया था। इसे आवाज नहीं कर हाँ चट्टी बाबू एक देहाती के घर से सांप से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए लक्ष्मी से मिलता है और इससे प्यार करता है, लेकिन अपनी खराबी को छुपाता है। कुमार बाबू को ये जानकर मायूसी हुई कि ऑपरेटिव सोसाइटी देहातियों की अक्सर की नाखानदगी का इस्तेमाल करते हुए दिए गए कर्जों पर ज़्यादा सूद वसूल करती है, इन्हें कर्जों के जाल में धकेलती है और इनकी फसलों या जमीनों को गैर अदाशुदा कर्जों के बहाने हथियार ये सब भुगती चलाता है, जिससे गांव वाले डरते हैं। चट्टी बाबू आधी रात को रामा लक्ष्मी से मिलने के लिए इसे घर में घुस जाता है, लेकिन छुपके से इसके घर वालों के हाथों पकड़ जाता है। चट्टी बाबू लक्ष्मी के वाले से कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन रामा लक्ष्मी ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। हिम्मत नहीं थी जिसकी वजह से चट्टी बाबू इस वक्त करने लगे। इससे पता चलता है कि चट्टी बाबू की समात की खराबी है और इसके लिए अपनी नापसंदगी बरकरार रखते हुए इसका पीछा करना शुरू कर दिया है। रामा लक्ष्मी इतनी पढ़ लिखी है कि इसके वालिद ने ऑपरेटिव सोसाइटी से जो कर्ज लिया था वो इसकी अनजहानी वालदा ने अदा किया था। कुमार बाबू को पता चलता है कि खातों को आस पास इसलिए बढ़ाया गया ताकि इससे ऐसा लगता है कि ऑपरेटिव सोसाइटी ने राम लक्ष्मी से कर्ज लिया कर्ज दोगुना कर्ज दिया था। कुमार बाबू का सामना को ऑपरेटिव सोसाइटी के मुलाजिम से होता है। इसके नतीजे में होने वाले तकरार में नादस्ता तौर पर इससे मार अगरचे लोग हिचकिचाते हैं, वो कुमार बाबू की हिमायत करने का फैसला करते हैं और कुमार बाबू और चट्टी बाबू की जानब से ऑपरेटिव सोसाइटी की गैर मुनसफाना सरगर्मियों को बेनकाब करने के बाद खुद को वार्ड मेंबर नामजद करते हैं। चट्टी बाबू कुमार बाबू ने कुमार बाबू की हिमायत न करने पर रगमा का सामना किया, जिसके जवाब में इसने इंकशाफ किया कि वो जब गांव वालों ने भोगती किशोर और ईरा सर यू समेत इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोशिश की तो इन्हें बेदर्दी से मारा जाता है। अपने भाई के बारे में फिक्रमंद चट्टी बाबू भोगती से टिश्यू लेते हैं, क्योंकि इस अमल की वजह से गांव वाले अकेले बंदमा से मिलने के बाद राजमंदरी से वापस आते हुए कुमार बाबू को भोगती के आदमियों के हमले का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने इसे बेदर्दी से छुरा घोंपा, लेकिन चट्टी बाबू इसे बचाने में कामयाब हो जाता है और इसे सड़क के किनारे पर एक दुकान पर ले जाता है। जब चट्टी बाबू इफ्ताही तिबी इमदाद के लिए कुछ सामान लेने गए थे, पहले से जख्मी कुमार बाबू को अब एक बार फिर बेनकाब होने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार बाबू ने पहले ऐसा नाम बोलने की कोशिश करता है जिसे चट्टी बाबू अपने बहरेपन की वजह से सुनने में नाकाम रहता है। चट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने गांव वापस ले जाता है। सबको परेशान छोड़कर उन्होंने बढ़ती घर में तबाही मचा दी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो चट्टी बाबू से अपने बहरेपन की वजह से सुनने में नाकाम रहता है। चट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने गाँव वापस ले जाता है। सबको परेशान छोड़कर उन्होंने भोगती के घर में तबाही मचा दी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो भाग गया। कुमार बाबू को इसके अहल खाना की तरफ से आंसू बहाकर आदमियों समेत अदा करने के बाद कत्ल के बारे में एक सुराग मिलने के बाद चट्टी बाबू परिसरा
वजहात की बिना पर दक्षिणा मूर्ति के पास गया, लेकिन इसका एक हास्य कास्ट होता है। चट्टी बाबू ठीक होने तक दक्षिणा मूर्ति की तरफ झुकते हैं। 2 महीनों के बाद चट्टी बाबू राम लक्ष्मी के साथ दक्षिणा मूर्ति से मिलने जाते हैं, जो अपने घर में मुकम्मल तौर सेहतयाब हो चुकी है। जब दक्षिणा मूर्ति ने भक्ति के बारे में दरख्वास्त किया तो चट्टी बाबू ने इंकशाफ किया कि इसने शिकार करके इसे बेदर्दी से मारा था। इसके अलावा इसने इंकशाफ किया कि वो जुनूबी मूर्ति के स्टूडेंट सेक्रेट हॉइन के पीछे चला गया, जिसने धमकी दिए जाने पर इतराफ किया कि कुमार बाहू कत्ल के बारे में कत्ल की मनसूबाबंदी करने वाले दक्षिणा मूर्ति थी। दक्षिणा मूर्ति ने ऐसा करने का इतराफ किया क्योंकि वो जांच 2045 और नहीं चाहता था कि किसी निजली जात के शख्स के साथ रुकवात में रहे। चट्टी बाबू आखिर और लाख लक्ष्मी के साथ अमारत से निकल जाता है जब वो और राम लक्ष्मी के साथ अमारत से निकल जाता है और जब पद्मा को वो अपने शोर के साथ आते हुए देखते हैं। दोस्तों, रंगा सतलम एक 2018 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी सो कुमार ने की और इसे मैत्री मूवीज की कंपनी के 52 किरदारों में प्रकाश राज, नरेश और प्रोड्यूस करदा। इस फिल्म में रामचरण और संता रोत प्रभु के साथ मेकर रंगा सतलम 1980 की दहाई में नामी अफसानवी गांव में तरतीब दिया गया है। इसमें 2 भाइयों चट्टी बाबू चरण और कुमार बाबू की कहानी बयान की गई है, जो गांव के मकामी हुकूमत और इसके सदर हेंद्रा भोपती बाबू की क्यादत में बदनवान को ऑपरेटिव सोसाइटी की मुखालफत करते हैं। सो कुमार ने नाना कोपर याथू 2016 को मुकम्मल करने के बाद फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया और अर्थना गुल्लू के साथ तावन किया, जिन्होंने फोटोग्राफी के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। देवी श्री प्रसाद कैमरों का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर शूटिंग की जाने वाली पहली चंद हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक रंगा सतलम की प्रिंसिपल के ने फिल्म का साउंड ट्रैक और स्कोर बनाया। नौमी ने फिल्म को एडिट किया। रेड हेलियम आर्ट के साथ शुरू हुई और मार्च 2018 तक जारी रही। बड़े पैमाने ने एक गांव में फिल्माया गया, जिसकी मालियत 5 करोड़ रुपए की लागत से हैदराबाद में तामीर की गई थी। RC11 फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में वर्किंग टाइटल फिल्म की फोटेज का 50% राजमंदरी और इसके आस पास शूट किया गया था। यह फिल्म 60 करोड़ के बजट पर बनाई गई थी और 30 मार्च 2018 को आलमी तौर पर रिलीज हुई थी। रंगा सतलम को नाकदनी की तरफ से मुस्बत जायजे मिले, जिन्होंने सो कुमार की तहरीर और जोड़ कास्ट की अदाकारी को खास तौर पर सराहा। खास तौर पर रामचरण और जगपती बाबू की ये फिल्म तजारती तौर लिहाज से कामयाबी रही। इसने कुल 216 करोड़ की कमाई की और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले तेलुगु फिल्म में शामिल है। इसने बेहतरीन ऑडियोग्राफी का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता था। रंगा सतला नामी फिल्म को कट्टर जबान में डब शुदा वर्जन 12 जुलाई 2019 को रिलीज हुआ था। फिल्म को फिल्म की लेमिनेशन की तरफ से अशरे की 25 अजीम तरीन तेलुगु फिल्मों से एक समझा जाता है। दोस्तों, इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुकुमार। अब हम आपको फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात बताने लगे हैं कि इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, कौन जो मेरे दादा कर रहे हैं, फिल्म लागत के क्या, इसमें कितना मिल गया, फिर जो आपको बताने वाले हैं। इसके बाद फिर हमें कास्ट बताएंगे, फिल्म कौन है, इसने क्या किरदार अदा किया, इसके बाद फिल्म की आखिर में पोस्टर भी बताएंगे।
सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है सुकुमार, राइटर भी यही ही है सुकुमार, प्रोड्यूस्ड बाय जिसने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वह है वाई नवीन, और इसके साथ वाई रवि शंकर भी इनका साथ दे रहे हैं और सी वी मोहन ने भी इनका साथ दिया है। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो हैं जी राम चरण, उसके बाद समीटा इकी निंडी आदि पिनी सिटी। अगर सिनेमोग्राफी की बात कर ले तो सिनेमोग्राफी जिसने की है वो है जी आर रत्थन वीलू, एडिट जिसने इस फिल्म को एडिट किया उनका नाम है नवीन नूली, म्यूजिक बाई देवी श्री प्रसाद, प्रोडक्शन कंपनी की बात कर रहे हैं तो मैथुरी मूवी मेकर, डिस्ट्रीब्यूट बाय अरोस इंटरनेशनल वाइड रील्स नीडेड। रिलीज की जो डेट है वो है जी 30 मार्च 2018। इसका जो रनिंग टाइम है वो 174 मिनट का है, यानी कि 3 घंटे के लगभग की मूवी है। भारत में इसको रिलीज किया गया, तेलुगु जबान में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 60 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस भी किया। 60 करोड़ की लागत से 200 करोड़ का इसने बिजनेस किया। हम बात करते हैं कि इस फिल्म में कौन है जो क्या किरदार करता आपको नजर आएगा। दोस्तों राम चरण बतौर चिलू बीना चिट्टी बाबू के रोल में आपको नजर आएंगे, समंथा बतौर राम लक्ष्मी के रोल में आपको नजर आएंगे, आदि प्रिंसिटी बतौर चिलू बीना कुमार बाबू के रोल में नजर आएंगे, जगपति बाबू बतौर सदर पुनीतर भूपति, प्रकाश राज बतौर MLA विक्षिणा मूर्ति, नरेश तौर को टैपू राव, रोहिणी बतौर गंतुम चट्टी बाबू कुमार बाबू चुन्नी की भाई। दोस्तों अगर इस फिल्म चलिए इसके अलावा और भी कुछ है नाम जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनमें दोस्तों अजय घोष बतौर शिशु नीडू, महेश चनाता बतौर महेश, शत्रु बतौर काशी कुमार बाबू और चन्नी चट्टी चट्टी बाबू का खैर हवा, उमत शर्मा बतौर श्रीमना नाइन, नागा महेश राम लक्ष्मी के वालिद के ऊपर, चित्रपति शेखर बतौर गणपति, एक सुनत चौपटी बाबू को भुक्ति के बारे में खूब रहता है। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की तरफ नजर दौड़ाएं तो स्टोरी में ये देखेंगे कि एक मुख्तसर मजाज चिट्टी बाबू जिसकी समाज की जज्बी खराबी है एक गांव रंगा सतलम का शहरी है जिसके बाशिंदे इसकी पंचायत के जुल्म सत्तर भुक्ति के महताज शिकार है। चट्टी बाबू जो अपने स्टूडेंट महेश के साथ मिलकर अपने दोस्त और नाम रखने वाले आंटी कोली रगमक की मोटर से गांव वालों के जराई खेतों को शराब करके रोजी रोटी कमाते हैं, अपने बड़े भाई कुमार बाबू की लिंच फोर्स के इलाके से अपने आबाई शहर वापस आने के बाद यहां वो मुलाजमत के लिए गए थे। चट्टी बाबू हफ्ते के दौरान इनके साथ अपनी मोहब्बत का लहजा इरसरू की एक देहाती की फसल इस पर काबिज कर ली जाती है और इसके खानदान ने रंगा सतलम की को अपडेट सोसाइटी से कर्ज लिया था, इसे वापस नहीं कर। हाँ चट्टी बाबू एक देहाती के घर से सांप से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए लक्ष्मी से मिलता है और इससे प्यार करता है लेकिन अपनी खराबी को छुपाता है। कुमार बाबू को ये जानकर मायूसी हुई कि ऑपरेटिव सोसाइटी देहातियों की अक्सर की नाखानदगी का इस्तेमाल करते हुए दिए गए कर्जों पर ज़्यादा सूद वसूल करती है, इन कर्जों के जाल में धकेलती है और इनकी फसलों या जमीनों को गैर अदाशुदा कर्जों के बहाने हथियार ये सब भुगती चलाता है जिससे गांव वाले डरते हैं। चट्टी बाबू आधी रात को रामा लक्ष्मी से मिलने के लिए इसे घर में घुस जाता है
लेकिन छुपके से इसके घर वालों के हाथों पकड़ जाता है। चट्टी बाबू लक्ष्मी के वाले से कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन रामू लक्ष्मी ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। हिम्मत नहीं थी जिसकी वजह से चट्टी बाबू इसे लोकफेस्ट करने लगे। इससे पता चलता है कि चट्टी बाबू की समाज की खराबी है और इसके लिए अपनी नापसंदगी बरकरार रखते हुए इसका पीछा करना शुरू कर दिया है। रामा लक्ष्मी इतनी पढ़ लिखी है कि इसके वालिद ने ऑपरेटिव सोसाइटी से जो कर्ज लिया था वो इसकी अनजहानी वालदा ने अदा किया था। कुमार बाबू को पता चलता है कि खातों को आस पास इसलिए बढ़ाया गया ताकि इससे ऐसा लगता है कि ऑपरेटिव सोसाइटी ने राम लक्ष्मी से कर्ज लिया, कर्ज दोगुना कर्ज दिया था। कुमार बाबू का सामना को ऑपरेटिव सोसाइटी के मुलाजिम से होता है। इसके नतीजे में होने वाली तकरार में नाजस्ता तौर पर इससे मार, अगरचे लोग हिचकिचाते हैं, वो कुमार बाबू की हिमायत करने का फैसला करते हैं और कुमार बाबू और चट्टी बाबू की जानब से ऑपरेटिव सोसाइटी की गैर मुनसफाना सरगर्मियों को बेनकाब करने के बाद खुद को वार्ड मेंबर नामजद करते हैं। चट्टी बाबू कुमार बाबू ने कुमार बाबू की हिमायत न करने पर रघुमा का सामना किया, जिसके जवाब में इसने इंकशाफ किया कि वो जब गांव वाले ने गोपती किशोर और हीरा सरयू समेत इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोशिश की तो इन्हें बेदर्दी से मारा जाता है। अपने भाई के बारे में फिक्रमंद चट्टी बाबू गोपती से टिश्यू लेते हैं, क्योंकि इस अमल की वजह से गांव वाले अकेले बंदमा से मिलने के बाद राजमंदरी से वापस आते हुए कुमार बाबू को गोपती के आदमियों के हमले का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने इसे बेदर्दी से छुरा घोंपा। लेकिन चट्टी बाबू इसे बचाने में कामयाब हो जाता है और इसे सड़क के किनारे पर एक दुकान पर ले जाता है। जब चट्टी बाबू इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए कुछ सामान लेने गए थे, पहले से जख्मी कुमार बाबू को अब एक बार फिर बेनकाब होने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार बाबू ने पहले ऐसा नाम बोलने की कोशिश करते हैं जिसे चट्टी बाबू अपने बहरेपन की वजह से सुनने में नाकाम रहता है। चट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने गांव वापस ले जाता है। सबको परेशान छोड़कर उन्होंने भर्ती घर में तबाही मचा दी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो चट्टी बाबू से अपने बहरेपन की वजह से सुनने में नाकाम रहता है। चट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने गाँव वापस ले जाता है। सबको परेशान छोड़कर उन्होंने भोपती के घर में तबाही मचा दी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो भाग गया। कुमार बाबू को इसके अहल खाना की तरफ से आंसू बहाकर आदमियों समेत अदा करने के बाद कत्ल के बारे में एक सुराग मिलने के बाद चट्टी बाबू परिसर वजूहत की बिना पर दक्षिणा मूर्ति के पास गया, लेकिन इसका एक हादसे खास होता है। चट्टी बाबू ठीक होने तक दक्षिणा मूर्ति की तरफ झुकते हैं। 2 महीनों के बाद चट्टी बाबू राम लक्ष्मी के साथ दक्षिणा मूर्ति से मिलने जाते हैं, जो अपने घर में मुकम्मल तौर सेहतयाब हो चुकी है। जब दक्षिणा मूर्ति ने भोपती के बारे में दरियाफ्त किया तो चट्टी बाबू ने इंकशाफ किया कि इसने शिकार करके इसे बेदर्दी से मारा था। इसके अलावा इसने इंकशाफ किया कि वो जनूबी मूर्ति के स्टूडेंट सेक्रेट पॉइंट के पीछे चला गया, जिसने धमकी दिए जाने पर इतराफ किया कि कुमार बाबू कत्ल के बारे में कत्ल की मनसूबाबंदी करने वाले दक्षिणा मूर्ति थी। दक्षिणा मूर्ति ने ऐसा करने का इतराफ किया क्योंकि वो जांच 2045 और नहीं चाहता था कि किसी निजली जात के शख्स के साथ रुकवात में रहे। चट्टी बाबू आखिर और लाख लक्ष्मी के साथ अमारत से निकल जाता है जब वो और राम लक्ष्मी के साथ अमारत से निकल जाता है और जब पद्मा को वो अपने शोर के साथ आते हुए
देखते हैं। दोस्तों रंगा सतलम एक 2018 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी सो कुमार ने की और इसे मैत्री मूवीज की कंपनी के मावन किरदारों में प्रकाश राज नरेश और प्रोड्यूस करदा। इस फिल्म में रामचरण और संता रोथ प्रभु के साथ मेकर रंगा सतलम 1980 की दहाई में नामी अफसानवी गांव में तरतीब दिया गया है। इसमें दो भाइयों चट्टी बाबू चरण और कुमार बाबू की कहानी बयान की गई है जो गांव के मकामी हुकूमत और इसके सदर हेंद्रा भोपती बाबू की क्यादत में बदनवान को ऑपरेटिव सोसाइटी की मुखालफत करते हैं। सो कुमार ने नाना कोपर याथू 2016 को मुकम्मल करने के बाद फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया और अर्थना वुल्लू के साथ तावन किया जिन्होंने फोटोग्राफी के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। देवी श्री प्रसाद कैमरों का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर शूटिंग की जाने वाली पहली चंद हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक रंगा सतलम की प्रिंसिपल के ने फिल्म का साउंड ट्रैक और स्कोर बनाया। नौमी ने फिल्म को एडिट किया। रेड हेलियम आर्ट के साथ शुरू हुई और मार्च 2018 तक जारी रही। बड़े पैमाने ने एक गांव में फिल्माया गया जिसकी मालियत 5 करोड़ रुपए की लागत से हैदराबाद में तामीर की गई थी। RC11 फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में वर्किंग टाइटल फिल्म की फोटेज का फीसद राजमंदरी और इसके आस पास शूट किया गया था। ये फिल्म 160 करोड़ के बजट पर बनाई गई थी और 30 मार्च 2018 को आलमी तौर पर रिलीज हुई थी। रंगा सतलम को नाकदमी की तरफ से मुस्बत जायजे मिले जिन्होंने सो कुमार की तहरीर और जोर कास्ट की अदाकारी को खास तौर पर सराहा। खास तौर पर रामचरण और जगपति बाबू की ये फिल्म तजारती तौर लिहाज से कामयाबी रही। इसने कुल 216 करोड़ की कमाई की और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले तेलुगु फिल्म में शामिल है। इसने बेहतरीन ऑडियोग्राफी का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता था। रंगा सतला नामी फिल्म को कट्टर जबान में डब शुदा वर्जन 12 जुलाई 2019 को रिलीज हुआ था। फिल्म को फिल्म की लेमिनेशन की तरफ से अशरे की 25 अजीम तरीन तेलुगु फिल्मों से एक समझा जाता है। दोस्तों इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुकुमार। अब हम आपको फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात बताने लगे हैं किस फिल्म को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, कौन जो मेरे को दादा करने फिल्म लागत के क्या इसने कितना बिल किया फिर उसे आपको बताने वाले हैं। इसके बाद फिर हमें कास्ट बताएँ कि फिल्म कौन है, जिसने क्या किरदार अदा किया, इसके बाद फिल्म की आखिर में पोस्टर भी बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है सुकुमार। राइटर भी यही ही है सुकुमार। प्रोड्यूस्ड बाय जिसने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वह है वाई नवीन और उसके साथ वाई रावी शंकर भी इनका साथ दे रहे हैं और सी वी मोहन ने भी इनका साथ दिया है। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है जी रामचरण, उसके बाद समीटा इकी निंडी आदि पिनी सिटी। अगर सिनेमोग्राफी की बात कर ले तो सिनेमोग्राफी जिसने की है वो है जी और रत्थन वीलू। एडिट जिसने इस फिल्म को एडिट किया उनका नाम है नवीन नूली। म्यूजिक बाय देवी श्री प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर रहे हैं तो मैथुरी मूवी मेकर। डिस्ट्रीब्यूट बाय अरोस इंटरनेशनल वाइड रील्स नीडेड। रिलीज की जो डेट है वो है जी 30 मार्च 2018। इसका जो रनिंग टाइम है वो 174 मिनट का है, यानी 3 घंटे के लगभग की मूवी है। भारत में इसको रिलीज किया गया, तेलुगु जबान में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 60 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस भी किया। 60 करोड़ की लागत से 200 करोड़ का इसने बिजनेस किया। हम बात करते हैं कि इस फिल्म में कौन है जो क्या करता आपको नजर आएगा। दोस्तों रामचरण बतौर
चिलू, बीना, चिट्टी बाबू के रोल में आपको नजर आएंगे। समंथा बतौर राम लक्ष्मी के रोल में आपको नजर आएंगे। आदि प्रसिद्धि बतौर चिल्लू, बीना कुमार बाबू के रोल में नजर आएंगे। जगपति बाबू बतौर सदर पुनिधर भूपति, प्रकाश राज बतौर MLA, विक्षिणा मूर्ति, नरेश तौर को टैपू राव, रोहिणी बतौर गंतम चट्टी बाबू कुमार बाबू इन्नी की भाई। दोस्तों अगर इस फिल्म में इसके अलावा और भी कुछ है नाम जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनमें दोस्तों अजय घोष बतौर शिशु, नीडू महेश, चनाता बतौर महेश, शत्रु बतौर काशी कुमार बाबू और चन्नी, चट्टी चट्टी बाबू का खैर खवा, उमत शर्मा बतौर श्रीमना नाइन, नागा महेश राम लक्ष्मी के वालिद के ऊपर, छत्रपति शेखर बतौर गणपति, एक सुनत चौपटी बाबू को भुक्ति के बारे में खूब कहा। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की तरफ नजर दौड़ाएं तो स्टोरी में ये देखेंगे कि एक मुख्तसर मजाज चट्टी बाबू जिसकी समाज की जज्वी खराबी है, एक गांव रंगा सतलम का शहरी जिसके बशिंदे इसकी पंचायत के जुल्म सदर भुक्ति के महताज शिकार है। चट्टी बाबू जो अपने स्टूडेंट महेश के साथ मिलकर अपने दोस्त और नाम रखने वाले आंटी कोली रगमा की मोटर से गांव वालों के जराई खेतों को शराब करके रोजी रोटी कमाते हैं, अपने बड़े भाई कुमार बाबू की लिंच फोर्स के इलाके से अपने आबाई शहर वापस आने के बाद यहां वो मुलाजमत के लिए गए थे। चट्टी बाबू हफ्ते के दौरान इनके साथ अपनी मोहब्बत का लहजा बरसरू की एक देहाती की फसल इस पर काबिज कर ली जाती है और इसके खानदान ने रंगा सतरंग की को अपडेट सोसाइटी से कर्ज लिया था इसे वापस नहीं करना। चट्टी बाबू एक देहाती के घर से सांप से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए लक्ष्मी से मिलता है और इससे प्यार करता है लेकिन अपनी खराबी को छुपाता है। कुमार बाबू को ये जानकर मायूसी हुई कि ऑपरेटिव सोसाइटी देहातियों की अक्सर की नाखानदगी का इस्तेमाल करते हुए दिए गए कर्जों पर ज़्यादा सूद वसूल करती है, इन्हें कर्जों के जाल में धकेलती है और इनकी फसलों या जमीनों को गैर अदाशुदा कर्जों के बहाने हथियार ये सब भुक्ति चलाता है जिससे गांव वाले डरते हैं। चट्टी बाबू आधी रात को रामा लक्ष्मी से मिलने के लिए इसे घर में घुस जाता है लेकिन छुपके से इसके घर वालों के हाथों पकड़ जाता है। चट्टी बाबू लक्ष्मी के वाले से कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन रामा लक्ष्मी ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। हिम्मत नहीं थी जिसकी वजह से चट्टी बाबू इस वक्त करने लगे। इससे पता चलता है कि चट्टी बाबू की समाज की खराबी है और इसके लिए अपनी नापसंदगी बरकरार रखते हुए इसका पीछा करना शुरू कर दिया है। रामा लक्ष्मी इतनी पढ़ लिखी है कि इसके वालिद ने ऑपरेटिव सोसाइटी से जो कर्ज लिया था वो इसकी अनजहानी वालदा ने अदा किया था। कुमार बाबू को पता चलता है कि खातों को आस पास इसलिए बढ़ाया गया ताकि इससे ऐसा लगता है कि ऑपरेटिव सोसाइटी ने राम लक्ष्मी से कर्ज लिया कर्ज दोगुना कर्ज दिया था। कुमार बाबू का सामना को ऑपरेटिव सोसाइटी के मुलाजिम से होता है। इसके नतीजे में होने वाले तकरार में नादस्ता तौर पर इससे मार अगरचे लोग हिचकिचाते हैं वो कुमार बाबू की हिमायत करने का फैसला करते हैं और कुमार बाबू और चट्टी बाबू की जानब से ऑपरेटिव सोसाइटी की गैर
मुनसफाना सरगर्मियों को बेनकाब करने के बाद खुद को वार्ड मेंबर नामजद करते हैं। चट्टी बाबू कुमार बाबू ने कुमराबो की हिमायत न करने पर रघुमा का सामना किया, जिसके जवाब में इसने इंकशाफ किया कि वो जब गांव वाले ने भोगती किशोर और हीरा सरयू समेत इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोशिश की तो इन्हें बेदर्दी से मारा जाता है। अपने भाई के बारे में फिक्रमंद चट्टी बाबू भोगती से रिश्वत लेते हैं, क्योंकि इस अमल की वजह से गांव वाले अकेले बंदमा से मिलने के बाद राजमंदिरी से वापस आते हुए कुमार बाबू को भोगती के आदमियों के हमले का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने इसे बेदर्दी से छुरा घोंपा, लेकिन चट्टी बाबू इसे बचाने में कामयाब हो जाता है और इसे सड़क के किनारे पर एक दुकान पर ले जाता है। जब चट्टी बाबू बीबी इमदाद के लिए कुछ सामान लेने गए थे, पहले से जख्मी कुमार बाबू को अब एक बार फिर बेनकाब होने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार बाबू ने पहले ऐसा नाम बोलने की कोशिश करता है जिसे चट्टी बाबू अपने बहरेपन की वजह से सुनने में नाकाम रहता है। चट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने गांव वापस ले जाता है। सबको परेशान छोड़कर उन्होंने भर्ती घर में तबाही मचा दी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो चट्टी बाबू से अपने बहरेपन की वजह से सुनने में नाकाम रहता है। चट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने गांव वापस ले जाता है। सबको परेशान छोड़कर उन्होंने भोगती के घर में तबाही मचा दी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो भाग गया। कुमार बाबू को इसके अहल खाना की तरफ से आंसू बहाकर आदमियों समेत अदा करने के बाद कत्ल के बारे में एक सुराग मिलने के बाद चट्टी बाबू परेशान वजूहत की बिना पर दक्षिणा मूर्ति के पास गया, लेकिन इसका एक हास्य कास्ट होता है। चट्टी बाबू ठीक होने तक दक्षिणा मूर्ति की तरफ झुकते हैं। 2 महीनों के बाद चट्टी बाबू राम लक्ष्मी के साथ दक्षिणा मूर्ति से मिलने जाते हैं, जो अपने घर में मुकम्मल तौर सेहत याब हो चुकी है। जब दक्षिणा मूर्ति ने भोगती के बारे में दरख्वास्त किया तो चट्टी बाबू ने इंकशाफ किया कि इसने शिकार करके इसे बेदर्दी से मारा था। इसके अलावा इसने इंकशाफ किया कि वो जनूबी मूर्ति के स्टूडेंट सेक्रेट राइन के पीछे चला गया, जिसने धमकी दिए जाने पर इतराफ किया कि कुमार बाबू कत्ल के बारे में कत्ल की मनसूबाबंदी करने वाले दक्षिणा मूर्ति थी। दक्षिणा मूर्ति ने ऐसा करने का इतराफ किया क्योंकि वो जांच 45 और नहीं चाहता था कि किसी निजली जात के शख्स के साथ मुलाकात में रहे। चट्टी बाबू आखिर और लाख लक्ष्मी के साथ अमारत से निकल जाता है जब वो और राम लक्ष्मी के साथ अमारत से निकल जाता है और जब पद्मा को वो अपने शोर के साथ आते हुए देखते हैं। दोस्तों, रंगा सतलम एक 2018 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी सो कुमार ने की और इसे मैत्री मूवीज की कंपनी के मावन किरदारों में प्रकाश राज, नरेश और प्रोड्यूस करदा। इस फिल्म में रामचरण और संता रोत प्रभु के साथ मेकर रंगा सतलम 1980 की दहाई में नामी अफसानवी गांव में तरतीब दिया गया है। इसमें 2 भाइयों चट्टी बाबू चरण और कुमार बाबू की कहानी बयान की गई है, जो गांव के मकामी हुकूमत और इसके सदर हेंद्रा भोपती बाबू की क्यादत में बदनवान को ऑपरेटिव सोसाइटी की मुखालफत करते हैं। सो कुमार ने नाना कोपर याथू 2016 को मुकम्मल करने के बाद फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया और अर्थना वुल्लू के साथ तावन किया, जिन्होंने फोटोग्राफी के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। देवी श्री प्रसाद कैमरों का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर शूटिंग की जाने वाली पहली
चंद हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक रंगा सत्यलम की प्रिंसिपल के ने फिल्म का साउंड ट्रैक और स्कोर बनाया। नॉमी ने फिल्म को एडिट किया। रेड हेलियम आर्ट के साथ शुरू हुई और मार्च 2018 तक जारी रही। बड़े पैमाने ने एक गांव में फिल्माया गया जिसकी मालियत 5 करोड़ रुपए की लागत से हैदराबाद में तामीर की गई थी। RC11 फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में वर्किंग टाइटल फिल्म की फोटेज का फीसद राजमंदरी और इसके आस पास शूट किया गया था। ये फिल्म 160 करोड़ के बजट पर बनाई गई थी और 30 मार्च 2018 को आलमी तौर पर रिलीज हुई थी। रंगा सत्यलम को नाकदमी की तरफ से मुस्बत जैसे मिले जिन्होंने शो कुमार की तहरीर और जोड़ कास्ट की अदाकारी को खास तौर पर सराहा। खास तौर पर राम चरण और जगपती बाबू की ये फिल्म तजारती तौर लिहाज से कामयाबी रही। इसने कुल 216 करोड़ की कमाई की और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले तेलुगु फिल्मों में शामिल है। इसने बेहतरीन ऑडियोग्राफी का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता था। रंगा सत्यला नामी फिल्म को कट्टर जबान में डब शुदा वर्जन 12 जुलाई 2019 को रिलीज हुआ था। फिल्म को फिल्म की लेमिनेशन की तरफ से अशरे की 25 अजीम तरीन तेलुगु फिल्मों से एक समझा जाता है। दोस्तों, इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुकुमार। अब हम आपको फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात बताने लगे हैं कि इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, कौन जो मेकर दादा कर रहे हैं, फिल्म पर लागत के क्या, इसने कितना बिल किया, ये चीज़ें आपको बताने वाले हैं। इसके बाद फिर हम कास्ट बताएंगे, फिल्म कौन है, जिसने क्या किरदार अदा किया, इसके बाद फिल्म की आखिर में पोस्टर भी बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है सुकुमार। राइटर भी यही ही है सुकुमार। प्रोड्यूस्ड बाय जिसने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वह है वाई नवीन और उसके साथ वाई रवि शंकर भी इनका साथ दे रहे हैं और सी वी मोहन ने भी इनका साथ दिया है। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है जी राम चरण, उसके बाद समीता इकी निंडी आदि पिनी सिटी। अगर सिनेमोग्राफी की बात कर ले तो सिनेमोग्राफी जिसने की है वो है जी और रत्थन वीलू। एडिट जिसने इस फिल्म को एडिट किया उनका नाम है रवीन लूली। म्यूजिक बाय देवी श्री प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर रहे हैं तो मैथुरी मूवी मेकर। डिस्ट्रीब्यूट बाय अरोस इंटरनेशनल वाइड रील्स नीडेड। रिलीज की जो डेट है वो है जी 30 मार्च 2018। इसका जो रनिंग टाइम है वो 174 मिनट का है, यानी कि 3 घंटे के लगभग की मूवी है। भारत में इसको रिलीज किया गया, तेलुगु जबान में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 60 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस भी किया। 60 करोड़ की लागत से 200 करोड़ का इसने बिजनेस किया। अब बात करते हैं कि इस फिल्म में कौन है जो क्या किरदार करता आपको नजर आएगा। दोस्तों, राम चरण बतौर चिलू बीना चिट्टी बाबू के रोल में आपको नजर आएंगे। समंथा बतौर राम लक्ष्मी के रोल में आपको नजर आएंगे। आदि प्रिंसिटी बतौर चिल्लू बीना कुमार बाबू के रोल में नजर आएंगे। जगपति बाबू बतौर सदर पुनीतर भूपति प्रकाश राज बतौर MLA विक्षिणा मूर्ति नरेश तौर को टैपू राव रोहिणी बतौर गंतुम चट्टी बाबू कुमार बाबू चुन्नी की भाई। दोस्तों, अगर इस फिल्म अच्छा जी इसके अलावा और भी कुछ है नाम जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनमें दोस्तों अजय घोष बतौर शिशु नीडू महेश चनाता बतौर महेश शत्रु बतौर काशी कुमार बाबू और चन्नी चट्टी चट्टी बाबू का खैर हवा उमत शर्मा बतौर श्रीमना नाइन नागा महेश राम लक्ष्मी के वालिद के ऊपर छत्रपति शेखर बतौर गणपति एक सुनत चौपटी बाबू को भुक्ति के बारे में खूब रहता है। दोस्तों, अगर फिल्म की स्टोरी की तरफ नजर दौड़ाएं तो हम स्टोरी में ये देखेंगे कि एक मुख्तसर मजाज चिट्टी बाबू जिसकी समाज की जज्बी
खराबी है एक गांव रंगा सतलम का शहरी है, जिसके बशिंदे इसकी पंचायत के जुल्म सत्तर भुक्ति के महताज शिकार हैं। चिन्नई बाबू एक मुख्तसर मजाज चट्टी बाबू जिसकी समात एक जुजवी खराबी है, एक गांव रंगा सतलम का शहरी है, जिसके बशिंदे इसकी पंचायत के जालिम जुल्म हिंदरा भुक्ति के महताज शिकार हैं। चट्टी बाबू जो अपने स्टूडेंट महेश के साथ मिलकर अपने दोस्त और नाम रखने वाले आंटी कोली रघुमा की मोटर से गांव वालों के जराई खेतों को शराब करके रोजी रोटी कमाते हैं, अपने बड़े भाई कुमार बाबू की लिंच फोर्स के इलाके से अपने आबाई शहर वापस आने के बाद यहां वो मुलाजमत के लिए गए थे। चट्टी बाबू हफ्ते के दौरान इनके साथ अपनी मोहब्बत का लहजा बरसरू की एक देहाती की फसल इस पर काबिज कर ली जाती है और इसके खानदान ने रंगा सतलम की को अपरेट सोसाइटी से कर्ज लिया था। इसे आवाज नहीं कर चट्टी बाबू एक देहाती के घर से सांप से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए लक्ष्मी से मिलता है और इससे प्यार करता है, लेकिन अपनी खराबी को छुपाता है। कुमार बाबू को ये जानकर मायूसी हुई कि ऑपरेटिव सोसाइटी देहातियों की अक्सर की नाखानदगी का इस्तेमाल करते हुए दिए गए कर्जों पर ज़्यादा सूद वसूल करती है, इन कर्जों के जाल में धकेलती है और इनकी फसलों या जमीनों को गैर अदाशुदा कर्जों के बहाने हथियार ये सब भुगती चलाता है, जिससे गांव वाले डरते हैं। चट्टी बाबू आधी रात को रामा लक्ष्मी से मिलने के लिए इसे घर में घुस जाता है, लेकिन छुपके से इसके घर वालों के हाथों पकड़ जाता है। चट्टी बाबू लक्ष्मी के वाले से कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन रामा लक्ष्मी ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। हिम्मत नहीं थी जिसकी वजह से चट्टी बाबू इस वक्त करने लगे। इसे पता चलता है कि चट्टी बाबू की समात की खराबी है और इसके लिए अपनी नापसंदगी बरकरार रखते हुए इसका पीछा करना शुरू कर दिया है। रामा लक्ष्मी इतनी पढ़ लिखी है कि इसके वालिद ने ऑपरेटिव सोसाइटी से जो कर्ज लिया था वो इसकी अनजहानी वालदा ने अदा किया था। कुमार बाबू को पता चलता है कि खातों को आस पास इसलिए बढ़ाया गया ताकि इससे ऐसा लगता है कि ऑपरेटिव सोसाइटी ने राम लक्ष्मी से कर्ज लिया कर्ज दोगुना कर्ज दिया था। कुमार बाबू का सामना को ऑपरेटिव सोसाइटी के मुलाजिम से होता है, इसके नतीजे में होने वाली तकरार में नाजस्ता तौर पर इससे मार अगरचे लोग हिचकिचाते हैं, वो कुमार बाबू की हिमायत करने का फैसला करते हैं और कुमार बाबू और चट्टी बाबू की जानब से कोऑपरेटिव सोसाइटी की गैर मुनसफाना सरगर्मियों को बेनकाब करने के बाद खुद को वार्ड मेंबर नामजद करते हैं। चट्टी बाबू कुमार बाबू ने कुमार बाबू की हिमायत न करने पर रघुमा का सामना किया, जिसके जवाब में इसने इंकशाफ किया कि वो जब गाँव वाले ने भुक्ति किशोर और हीरा सर यू समेत इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोशिश की तो इन्हें बेदर्दी से मारा जाता है। अपने भाई के बारे में फिक्रमंद चट्टी बाबू भुगती से टिश्यू लेते हैं, क्योंकि इस अमल की वजह से गांव वाले अकेले बंदमा से मिलने के बाद राजमंदरी से वापस आते हुए कुमार बाबू को भुगती के आदमियों के हमले का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने इसे बेदर्दी से छुरा घोंपा, लेकिन चट्टी बाबू इसे बचाने में कामयाब हो जाता है और इसे सड़क के किनारे पर एक दुकान पर ले जाता है। जब चट्टी बाबू इतनी तबी इमदाद के लिए कुछ सामान लेने गए थे, पहले से जख्मी कुमार बाबू को अब एक बार फिर बेनकाब होने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार बाबू ने पहले ऐसा नाम बोलने की कोशिश करता है जिसे चट्टी बाबू अपने बहरेपन की वजह से सुनने में नाकाम रहता है। चट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने गांव वापस ले जाता है। सबको परेशान छोड़कर उन्होंने भर्ती घर में
तबाही मचा दी सिर्फ ये जानने के लिए कि वो चट्टी बाबू से अपने बहरेपन की वजह से सुनने में नाकाम रहता है। चट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने गांव वापस ले जाता है। सबको परेशान छोड़कर उन्होंने भोपती के घर में तबाही मचा दी सिर्फ ये जानने के लिए कि वो भाग गया। कुमार बाबू को इसके अहल खाना की तरफ से आंसू बहाकर आदमियों समेत अदा करने के बाद कत्ल के बारे में एक सुराग मिलने के बाद चट्टी बाबू परिसर वजुहात की बिना पर दक्षिणा मूर्ति के पास गया, लेकिन इसका एक हादसे खास होता है। चट्टी बाबू ठीक होने तक दक्षिणा मूर्ति की तरफ झुकते हैं। 2 महीनों के बाद चट्टी बाबू राम लक्ष्मी के साथ दक्षिणा मूर्ति से मिलने जाते हैं, जो अपने घर में मुकम्मल तौर सेहतयाब हो चुकी है। जब दक्षिणा मूर्ति ने भोपती के बारे में दरख्वास्त किया तो चट्टी बाबू ने इंकशाफ किया कि इसने शिकार करके इसे बेदर्दी से मारा था। इसके अलावा इसने इंकशाफ किया कि वो जुनूबी मूर्ति के स्टूडेंट सेक्रेट पॉइंट के पीछे चला गया, जिसने धमकी दिए जाने पर इतराफ किया कि कुमार बाबू और कत्ल के बारे में कत्ल की वसूबंदी करने वाले दक्षिणा मूर्ति थी। दक्षिणा मूर्ति ने ऐसा करने का इतराफ किया क्योंकि वो जांच 45 और नहीं चाहता था कि किसी निजली जात के शख्स के साथ रुकवात में रहे। चट्टी बाबू आखिर और लाख लक्ष्मी के साथ अमारत से निकल जाता है जब वो और राम लक्ष्मी के साथ अमारत से निकल जाता है और जब पद्मा को वो अपने शोर के साथ आते हुए देखते हैं। दोस्तों, रंगा सतलम एक 2018 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी सो कुमार ने की है और इसे मैत्री मूवीज की कंपनी के 52 किरदारों में प्रकाश राज, नरेश और प्रोड्यूस करदा। इस फिल्म में रामचरण और संता रोथ प्रभु के साथ मेकर रंगा सतलम 1980 की दहाई में नामी अफसानवी गांव में तरतीब दिया गया है। इसमें 2 भाइयों चट्टी बाबू चरण और कुमार बाबू की कहानी बयान की गई है, जो गांव के मकामी हुकूमत और इसके सदर हेंद्रा भोपती बाबू की क्यादत में बदउनवान को ऑपरेटिव सोसाइटी की मुखालफत करते हैं। सो कुमार ने नाना कोपर याथू 2016 को मुकम्मल करने के बाद फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया और अर्थना गुल्लू के साथ तावन किया, जिन्होंने फोटोग्राफी के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। देवी श्री प्रसाद कैमरों का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर शूटिंग की जाने वाली पहली चंद हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक रंगा सतलम की प्रिंसिपल के ने फिल्म का साउंड ट्रैक और स्कोर बनाया। नौमी ने फिल्म को एडिट किया। रेड हेलियम आर्ट के साथ शुरू हुई और मार्च 2018 तक जारी रही। बड़े पैमाने ने एक गांव में फिल्माया गया जिसकी मालिक 5 करोड़ रुपए की लागत से हैदराबाद में तामीर की गई थी। RC11 फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में वर्किंग टाइटल फिल्म की फोटेज का फीसद राजमंदरी और इसके आस पास शूट किया गया था। ये फिल्म 160 करोड़ के बजट पर बनाई गई थी और 30 मार्च 2018 को आलमी तौर पर रिलीज हुई थी। रंगा सतलम को नाकदमी की तरफ से मस्बा जायजे मिले, जिन्होंने सो कुमार की तहरीर और जोड़कास्ट की अदाकारी को खास तौर पर सराहा। खास तौर पर रामचरण और जगपति बाबू की ये फिल्म तजारती तौर लिहाज से कामयाबी रही। इसने कुल 216 करोड़ की कमाई की और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले तेलुगु फिल्म में शामिल है। इसने बेहतरीन ऑडियोग्राफी का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता था। रंगा सतला नामी फिल्म को कट्टर जबान में डब शुदा वर्जन 12 जुलाई 2019 को रिलीज हुआ था। फिल्म को
फिल्म की लेमिनेशन की तरफ से अश्रे की 25 अजीम तरीन तेलुगु फिल्मों में से एक समझा जाता है। दोस्तों इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुकुमार। अब हम आपको फिल्म की टेक्निकल रिपोर्ट की बात बताने लगे हैं किस फिल्म को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, कौन जो मेरे को अदा करने फिल्म लागत के क्या इसने कितना मिल गया फिर उसे आपको बताने वाले हैं। इसके बाद फिर हमें कास्ट बताएंगे फिल्म कौन है जिसने क्या करदार क्या, इसके बाद फिल्म के आखिर में पोस्टर भी बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है सुकुमार, राइटर भी यही ही है सुकुमार। प्रोड्यूस्ड बाय जिसने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वह है वाई नवीन और उसके साथ वाई रावि शंकर भी इनका साथ दे रहे हैं और सी वी मोहन ने भी इनका साथ दिया है। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है जी राम चरण, उसके बाद समीटा इकी निंडी आदि पिनी सिटी। अगर सिनेमोग्राफी की बात कर ले तो सिनेमोग्राफी जिसने की है वो है जी आर रत्थन वीलू। एडिट जिसने इस फिल्म को एडिट किया उनका नाम है नवीन लूली। म्यूजिक बाय देवी श्री प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर रहे हैं तो मैथुरी मूवी मेकर। डिस्ट्रीब्यूट बाय अरोस इंटरनेशनल वाइड रील्स नीडेड। रिलीज की जो डेट है वो है जी 30 मार्च 2018। इसका जो रनिंग टाइम है वो 174 मिनट का है, यानी 3 घंटे के लगभग की मूवी है। भारत में इसको रिलीज किया गया, तेलुगु जबान में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 60 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस भी किया। 60 करोड़ की लागत से 200 करोड़ का इसने बिजनेस किया। हम बात करते हैं कि इस फिल्म में कौन है जो क्या करता आपको नजर आएगा। दोस्तों रामचरण बतौर चिलू बीना चिट्टी बाबू के रोल में आपको नजर आएंगे। समंथा बतौर राम लक्ष्मी के रोल में आपको नजर आएंगे। आदि प्रिंसिटी बतौर चिलू बीना कुमार बाबू के रोल में नजर आएंगे। जगपति बाबू बतौर सदर पुनीतर भूपति। प्रकाश राज बतौर MLA विक्षिणा मूर्ति। नरेश तौर को टैपू राव। रोहिणी बतौर गंतुम चट्टी बाबू कुमार बाबू सुनने की बात। दोस्तों अगर इस फिल्म अच्छा जी इसके अलावा और भी कुछ है नाम जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ इनमें। दोस्तों अजय घोष बतौर शिशु नीडू। महेश चनाता बतौर महेश। शत्रु बतौर काशी कुमार बाबू और चन्नी चट्टी चट्टी बाबू का खैर खवा। उमत शर्मा बतौर श्रीमना नाइन। नागा महेश राम लक्ष्मी के वालिद के ऊपर। छत्रपति शेखर बतौर गणपति। एक सुनत चौपटी बाबू को भुक्ति के बारे में खूब कहा है। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की तरफ नजर दौड़ाएं तो स्टोरी में ये देखेंगे कि एक मुख्तसर मजाज चिट्टी बाबू जिसकी समाज की जज्बी खराबी है एक गांव रंगा सतलम का शहरी जिसके बाशिंदे इसकी पंचायत के जुल्म सत्तर भुक्ति के महताज शिकार है। चट्टी बाबू जो अपने स्टूडेंट महेश के साथ मिलकर अपने दोस्त और नाम रखने वाले आंटी कोली रगमा की मोटर से गांव वालों के जराई खेतों को शराब करके रोजी रोटी कमाते हैं। अपने बड़े भाई कुमार बाबू की लिंच फोर्स के इलाके से अपने आबाई शहर वापस आने के बाद यहाँ वो मुलाजमत के लिए गए थे। चट्टी बाबू हफ्ते के दौरान इनके साथ अपनी मोहब्बत का लहजा बरसों की एक देहाती की फसल इस पर काबिज कर ली जाती है और इसके खानदान ने रंगा सतरंग की को अपडेट सोसाइटी से कर्ज लिया था इसे वापस नहीं करना। चट्टी बाबू एक देहाती के घर से सांप से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए राय लक्ष्मी से मिलता है और इससे प्यार करता है लेकिन अपनी खराबी को छुपाता है। कुमार बाबू को ये जानकर मायूसी हुई कि
ऑपरेटिव सोसाइटी देहातियों की अक्सर की नाखानदगी का इस्तेमाल करते हुए दिए गए कर्जों पर ज़्यादा सूद वसूल करती है, इन्हें कर्जों के जाल में धकेलती है और इनकी फसलों या ज़मीनों को गैर अदाशुदा कर्जों के बहाने हथियार ये सब भुगती चलाता है, जिससे गांव वाले डरते हैं। चिट्टी बाबू आधी रात को रामा लक्ष्मी से मिलने के लिए इसे घर में घुस जाता है, लेकिन छुपके से इसके घर वालों के हाथों पकड़ जाता है। चिट्टी बाबू लक्ष्मी के वाले से कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन रामा लक्ष्मी ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। हिम्मत नहीं थी, जिसकी वजह से चिट्टी बाबू इस वक्त करने लगे। इसे पता चलता है कि चिट्टी बाबू की समाज की खराबी है और इसके लिए अपनी नापसंदगी बरकरार रखते हुए इसका पीछा करना शुरू कर दिया है। रामा लक्ष्मी इतनी पढ़ लिखी है कि इसके वालिद ने ऑपरेटिव सोसाइटी से जो कर्ज लिया था वो इसकी अनजहानी वालदा ने अदा किया था। कुमार बाबू को पता चलता है कि खातों को आस पास इसलिए बढ़ाया गया ताकि इससे ऐसा लगता है कि ऑपरेटिव सोसाइटी ने राम लक्ष्मी से कर्ज लिया, कर्ज दोगुना कर्ज दिया था। कुमार बाबू का सामना को ऑपरेटिव सोसाइटी के मुलाजिम से होता है। इसके नतीजे में होने वाली तकरार में नादस्ता तौर पर इससे मारा दिखता है। अगरचे लोग हिचकिचाते हैं, वो कुमार बाबू की हिमायत करने का फैसला करते हैं और कुमार बाबू और चट्टी बाबू की जानब से ऑपरेटिव सोसाइटी की गैर मुनसफाना सरगर्मियों को बेनकाब करने के बाद खुद को वार्ड मेंबर नामजद करते हैं। चट्टी बाबू कुमार बाबू ने कुमार बाबू की हिमायत न करने पर रघुमा का सामना किया, जिसके जवाब में इसने इंकशाफ किया कि वो जब गांव वालों ने गोपती किशोर और ईरा सरयू समेत इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोशिश की तो इन्हें बेदर्दी से मारा जाता है। अपने भाई के बारे में फिक्रमंद चट्टी बाबू गोपती से रिश्वत लेते हैं, क्योंकि इस अमल की वजह से गांव वाले अकेले बंदमा से मिलने के बाद राजमंदरी से वापस आते हुए कुमार बाबू को भोपती के आदमियों के हमले का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने इसे बेदर्दी से छुरा घोंपा, लेकिन चट्टी बाबू इसे बचाने में कामयाब हो जाता है और इसे सड़क के किनारे पर एक दुकान पर ले जाता है। जब चट्टी बाबू इफ्ताही तबी इमदाद के लिए कुछ सामान लेने गए थे, पहले से जख्मी कुमार बाबू को अब एक बार फिर बेनकाब होने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार बाबू ने पहले ऐसा नाम बोलने की कोशिश करता है जिसे चट्टी बाबू अपने बहरेपन की वजह से सुनने में नाकाम रहता है। चट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने गांव वापस ले जाता है। सबको परेशान छोड़कर उन्होंने बढ़ती घर में तबाही मचा दी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो चट्टी बाबू से अपने बहरेपन की वजह से सुनने में नाकाम रहता है। चट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने गांव वापस ले जाता है। सबको परेशान छोड़कर उन्होंने भोपती के घर में तबाही मचा दी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो भाग गया। कुमार बाबू को इसके अहल खाना की तरफ से आंसू बहाकर आदमियों समेत अदा करने के बाद कत्ल के बारे में एक सुराग मिलने के बाद चट्टी बाबू परिसरा वजूहत की बिना पर दक्षिणा मूर्ति के पास गया, लेकिन इसका एक हादसे कास्ट होता है। चट्टी बाबू ठीक होने तक दक्षिणा मूर्ति की तरफ झुकते हैं। 2 महीनों के बाद चट्टी बाबू राम लक्ष्मी के साथ दक्षिणा मूर्ति से मिलने जाते हैं, जो अपने घर में मुकम्मल तौर सेहत याब हो चुकी है। जब दक्षिणा मूर्ति ने भोपती के बारे में दरख्वास्त किया तो चट्टी बाबू ने इंकशाफ किया कि इसने शिकार करके इसे बेदर्दी से मारा था। इसके अलावा इसने इंकशाफ किया कि वो जनूबी मूर्ति के स्टूडेंट सेक्रेट आयन के पीछे चला गया, जिसने धमकी दिए जाने पर इतराफ किया कि कुमार बाबू को कत्ल के बारे में
कत्ल की मनसूबाबंदी करने वाले दक्षिणामूर्ति थी। दक्षिणामूर्ति ने ऐसा करने का इतराफ किया क्योंकि वो जॉर्ज या 45 और नहीं चाहता था कि किसी निजली जात के शख्स के साथ रुकवात में रहे। चित्ती बाबू आखिर और लाख लक्ष्मी के साथ अमारत से निकल जाता है जब वो और राम लक्ष्मी के साथ अमारत से निकल जाता है और जब पद्मा को वो अपने शोर के साथ आते हुए देखते हैं। दोस्तों, रंगा सतलम एक 2018 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी तहरीर और हिदायतकारी सो कुमार ने की है और इसे मैत्री मूवीज की कंपनी के 52 किरदारों में प्रकाश राज, नरेश और प्रोड्यूस करदा। इस फिल्म में रामचरण और संता रोत प्रभु के साथ मेकर रंगा सतलम 1980 की दहाई में नामी अफसानवी गांव में तरतीब दिया गया है। इसमें दो भाइयों चट्टी बाबू चरण और कुमार बाबू की कहानी बयान की गई है जो गांव के मकामी हुकूमत और इसके सदर हिंद्रा भोपती बाबू की क्यादत में बदनवान को ऑपरेटिव सोसाइटी की मुखालफत करते हैं। सो कुमार ने नाना कोपर याथू 2016 को मुकम्मल करने के बाद फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया और अर्थना गुल्लू के साथ तावन किया जिन्होंने फोटोग्राफी के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। देवी श्री प्रसाद कैमरों का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर शूटिंग की जाने वाली पहली चंद हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक रंगा सतलम की प्रिंसिपल के ने फिल्म का साउंड ट्रैक और स्कोर बनाया। नॉमी ने फिल्म को एडिट किया। रेड हेलियम आर्ट के साथ शुरू हुई और मार्च 2018 तक जारी रही। बड़े पैमाने ने एक गांव में फिल्माया गया जिसकी मालिक 5 करोड़ रुपए की लागत से हैदराबाद में तामीर की गई थी। RC11 फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में वर्किंग टाइटल फिल्म की फोटेज का फीसद राजमंदरी और इसके आस पास शूट किया गया था। यह फिल्म 60 करोड़ के बजट पर बनाई गई थी और 30 मार्च 2018 को आलमी तौर पर रिलीज हुई थी। रंगा सतलम को नाकदमी की तरफ से मुस्बत जायजे मिले जिन्होंने सो कुमार की तहरीर और जोड़ कास्ट की अदाकारी को खास तौर पर सराहा। खास तौर पर रामचरण और जगबत्ती बाबू की ये फिल्म तजारती तौर लिहाज से कामयाबी रही। इसने कुल 216 करोड़ की कमाई की और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले तेलुगु फिल्म में शामिल है। इसने बेहतरीन ऑडियोग्राफी का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता था। रंगा सतला नामी फिल्म को कट्टर जबान में डब शुदा वर्जन 12 जुलाई 2019 को रिलीज हुआ था। फिल्म को फिल्म की लेमिनेशन की तरफ से अशरे की 25 अजीम तरीन तेलुगु फिल्मों से एक समझा जाता है। दोस्तों, इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुकुमार। अब हम आपको फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात बताने लगे हैं कि इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, कौन जो मेकर दादा करने फिल्म लागत के क्या इसने कितना बिल किया, फिर जो आपको बताने वाले हैं। इसके बाद फिर हम कास्ट बताएंगे फिल्म कौन है, जिसने क्या करदा क्या, इसके बाद फिल्म की आखिर में पोस्टर भी बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है सुकुमार। राइटर भी यही ही है सुकुमार। प्रोड्यूस्ड बाय जिसने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वह है वाई नवीन और इसके साथ वाई रवि शंकर भी इनका साथ दे रहे हैं और सी वी मोहन ने भी इनका साथ दिया है। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो हैं जी रामचरण, उसके बाद समीटा इकी निंडी आदि पिनी सिटी। अगर सिनेमोग्राफी की बात कर ले तो सिनेमोग्राफी जिसने की है वो है जी आर रत्थन वीलू। एडिट जिसने इस फिल्म को एडिट किया उनका नाम है नवीन नूली। म्यूजिक बाय देवी श्री प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर रहे हैं तो मैथुरी मूवी मेकर। डिस्ट्रीब्यूट बाय अरोस इंटरनेशनल। वाइड रील्स नीडेड। रिलीज की जो डेट है वो है जी
30 मार्च 2018। इसका जो रनिंग टाइम है वो 174 मिनट का है, यानी 3 घंटे के लगभग की मूवी है। भारत में इसको रिलीज़ किया गया, तेलुगु जबान में इसको रिलीज़ किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत है वो 60 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस भी किया। 60 करोड़ की लागत से 200 करोड़ का इसने बिजनेस किया। हम बात करते हैं कि इस फिल्म में कौन है जो क्या किरदार करता आपको नजर आएगा। दोस्तों रामचरण बतौर चिलू बीना चिट्टी बाबू के रोल में आपको नजर आएंगे, समंथा बतौर राम लक्ष्मी के रोल में आपको नजर आएंगे, आदि प्रिंसिटी बतौर चिल्लू बीना कुमार बाबू के रोल में नजर आएंगे, जगपति बाबू बतौर सदर पुनिधर भूपति, प्रकाश राज बतौर MLA विक्षिणा मूर्ति, नरेश तौर को टैपू राव, रोहिणी बतौर गंतम चट्टी बाबू कुमार बाबू सुनने की भाई। दोस्तों अगर इस फिल्म में इसके अलावा और भी कुछ है नाम जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनमें दोस्तों अजय घोष बतौर शिशु नीडू, महेश चनाता बतौर महेश, शत्रु बतौर काशी कुमार बाबू और चन्नी चट्टी चट्टी बाबू का खैर हवा, उमते शर्मा बतौर श्रीमना नाइन, नागा महेश राम लक्ष्मी के वालिद के ऊपर, छत्रपति शेखर बतौर गणपति, एक सुनत चौपटी बाबू को भुक्ति के बारे में खूब बताता है। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की तरफ नजर दौड़ाएं तो स्टोरी में ये देखेंगे कि एक मुख्तसर मजाज चिट्टी बाबू जिसकी समाज की जज्बी खराबी है, एक गांव रंगा सतलम का शहरी है जिसके बाशिंदे इसकी पंचायत के जुल्म सत्तर भुक्ति के महताज शिकार है। चट्टी बाबू जो अपने स्टूडेंट महेश के साथ मिलकर अपने दोस्त और नाम रखने वाले आंटी कोली रगमा की मोटर से गांव वालों के जराई खेतों को शराब करके रोजी रोटी कमाते हैं, अपने बड़े भाई कुमार बाबू की लिंच फोर्स के इलाके से अपने आबाई शहर वापस आने के बाद यहां वो मुलाजमत के लिए गए थे। चट्टी बाबू हफ्ते के दौरान इनके साथ अपनी मोहब्बत का लहजा बरसरू की एक देहाती की फसल इस पर काबिज कर ली जाती है और इसके खानदान ने रंगा सतलम की को अपडेट सोसाइटी से कर्ज लिया था, इसे वापस नहीं कर। चट्टी बाबू एक देहाती के घर से सांप से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए राय लक्ष्मी से मिलता है और इससे प्यार करता है लेकिन अपनी खराबी को छुपाता है। कुमार बाबू को ये जानकर मायूसी हुई कि ऑपरेटिव सोसाइटी देहातियों की अक्सर की नाखानदगी का इस्तेमाल करते हुए दिए गए कर्जों पर ज़्यादा सूद वसूल करती है, इन्हें कर्जों के जाल में धकेलती है और इनकी फसलों या जमीनों को गैर अदाशुदा कर्जों के बहाने हथियार ये सब भुगती चलाता है जिससे गांव वाले डरते हैं। चट्टी बाबू आधी रात को रामा लक्ष्मी से मिलने के लिए इसे घर में घुस जाता है लेकिन छुपके से इसके घर वालों के हाथों पकड़ जाता है। चट्टी बाबू लक्ष्मी के वाले से कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन रामा लक्ष्मी ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। हिम्मत नहीं थी जिसकी वजह से चट्टी बाबू इससे वक्त करने लगे। इससे पता चलता है कि चट्टी बाबू की समाज की खराबी है और इसके लिए अपनी नापसंदगी बरकरार रखते हुए इसका पीछा करना शुरू कर दिया है। रामा लक्ष्मी इतनी पढ़ लिखी है कि इसके वालिद ने ऑपरेटिव सोसाइटी से जो कर्ज लिया था वो इसकी अनजहानी वालदा ने अदा किया था। कुमार बाबू को पता चलता है कि खातों को आस पास इसलिए बढ़ाया गया ताकि इससे ऐसा लगता है कि ऑपरेटिव सोसाइटी ने राम
लक्ष्मी से कर्ज लिया, कर्ज से दोगुना कर्ज दिया था। कुमार बाबू का सामना कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुलाजिम से होता है। इसके नतीजे में होने वाली तकरार में नाराजगी तौर पर इससे मालिक अगरचे लोग हिचकिचाते हैं, वो कुमार बाबू की हिमायत करने का फैसला करते हैं और कुमार बाबू और चटनी बाबू की जानब से कोऑपरेटिव सोसाइटी की गैर मुनसफाना सरगर्मियों को बेनकाब करने के बाद खुद को वार्ड मेंबर नामजद करते हैं। चट्टी बाबू कुमार बाबू ने कुमार बाबू की हिमायत न करने पर रघुमा का सामना किया, जिसके जवाब में इसने इंकशाफ किया कि वो जब गांव वाले ने गोपती किशोर और हीरा सरयू समेत इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोशिश की तो इन्हें बेदर्दी से मारा जाता है। अपने भाई के बारे में फिक्रमंद चट्टी बाबू गोपती से टिश्यू लेते हैं, क्योंकि इस अमल की वजह से गांव वाले अकेले बंदमा से मिलने के बाद राजमंदरी से वापस आते हुए कुमार बाबू को भोपती के आदमियों के हमले का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने इसे बेदर्दी से छुरा घोंपा। लेकिन चट्टी बाबू इसे बचाने में कामयाब हो जाता है और इसे सड़क के किनारे पर एक दुकान पर ले जाता है। जब चट्टी बाबू इफ्ताही बीबी इमदाद के लिए कुछ सामान लेने गए थे, पहले से जख्मी कुमार बाबू को अब एक बार फिर बेनकाब होने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार बाबू ने पहले ऐसा नाम बोलने की कोशिश करता है जिसे चट्टी बाबू अपने बहरेपन की वजह से सुनने में नाकाम रहता है। चट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने गांव वापस ले जाता है। सबको परेशान छोड़कर उन्होंने भर्ती घर में तबाही मचा दी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो चट्टी बाबू से अपने बहरेपन की वजह से सुनने में नाकाम रहता है। चट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने गांव वापस ले जाता है। सबको परेशान छोड़कर उन्होंने भोपती के घर में तबाही मचा दी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो भाग गया। कुमार बाबू को इसके अहल खाना की तरफ से 800 बहाकर आदमियों समेत अदा करने के बाद कत्ल के बारे में एक सुराग मिलने के बाद चट्टी बाबू परिसर वजूहत की बिना पर दक्षिणा मूर्ति के पास गया, लेकिन इसका एक हादसे कास्ट होता है। चट्टी बाबू ठीक होने तक दक्षिणा मूर्ति की तरफ झुकते हैं। 2 महीनों के बाद चट्टी बाबू राम लक्ष्मी के साथ दक्षिणा मूर्ति से मिलने जाते हैं, जो अपने घर में मुकम्मल तौर सेहतयाब हो चुकी है। जब दक्षिणा मूर्ति ने भोपती के बारे में दरियाफ्त किया तो चट्टी बाबू ने इंकशाफ किया कि इसने शिकार करके इसे बेदर्दी से मारा था। इसके अलावा इसने इंकशाफ किया कि वो जनूबी मूर्ति के स्टूडेंट सेक्रेट आइन के पीछे चला गया, जिसने धमकी दिए जाने पर इतराफ किया कि कुमार बाबू कत्ल के बारे में कत्ल की मनसूबंदी करने वाले दक्षिणा मूर्ति थी। दक्षिणा मूर्ति ने ऐसा करने का इतराफ किया क्योंकि वो जांच 45 और नहीं चाहता था कि किसी निजली जात के शख्स के साथ मुलाकात में रहे। चट्टी बाबू आखिर और लाख लक्ष्मी के साथ अमारत से निकल जाता है जब वो और राम लक्ष्मी के साथ अमारत से निकल जाता है और जब पद्मा को वो अपने शोर के साथ आते हुए देखते हैं। दोस्तों, रंगा सतलम एक 2018 की हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी तहरीर और हिदायतकारी सो कुमार ने की और इसे मेट्री मूवीज की कंपनी के 52 किरदारों में प्रकाश राज, नरेश और प्रोड्यूस करदा। इस फिल्म में रामचरण और संता रोत प्रभु के साथ मेकर रंगा सतलम 1980 की दहाई में नामी अफसानवी गांव में तरतीब दिया गया है। इसमें 2 भाइयों चट्टी बाबू चरण और कुमार बाबू की कहानी बयान की गई है, जो गांव के मकामी हुकूमत और इसके सदर हेंद्रा भोपती बाबू की क्यादत में
बदनवान को अपने टू सोसाइटी की मुखालफत करते हैं। शो कुमार ने नाना कोपर यथू 2016 को मुकम्मल करने के बाद फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया और अर्थना वुल्लू के साथ तआवुन किया, जिन्होंने फोटोग्राफी के डायरेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। देवी श्री प्रसाद कैमरों का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल तौर पर शूटिंग की जाने वाली पहली चंद हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक रंगा सत्यलम की प्रिंसिपल के ने फिल्म का साउंड ट्रैक और स्कोर बनाया। नौमी ने फिल्म को एडिट किया। रेड हेलियम आर्ट के साथ शुरू हुई और मार्च 2018 तक जारी रही। बड़े पैमाने ने एक गांव में फिल्माया गया जिसकी मालियत 5 करोड़ रुपए की लागत से हैदराबाद में तामीर की गई थी। RC11 फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में वर्किंग टाइटल फिल्म की फोटेज का फीसद राजमंदरी और इसके आस पास शूट किया गया था। ये फिल्म 160 करोड़ के बजट पर बनाई गई थी और 30 मार्च 2018 को आलमी तौर पर रिलीज हुई थी। रंगा सत्यलम को नाकदमी की तरफ से मुस्बत जायजे मिले, जिन्होंने शो कुमार की तहरीर और जोड़कास्ट की अदाकारी को खास तौर पर सराहा। खास तौर पर रामचरण और जगपति बाबू की ये फिल्म तजारती तौर लिहाज से कामयाबी रही। इसने कुल 216 करोड़ की कमाई की और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले तेलुगु फिल्मों में शामिल है। इसने बेहतरीन ऑडियोग्राफी का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता था। रंगा सतला नामी फिल्म को कट्टर जबान में डब शुदा वर्जन 12 जुलाई 2019 को रिलीज हुआ था। फिल्म को फिल्म की लेमिनेशन की तरफ से अशरे की 25 अजीम तरीन तेलुगु फिल्मों में से एक समझा जाता है। दोस्तों, इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है सुकुमार। अब हम आपको फिल्म की टेक्निकल डिपार्ट की बात बताने लगे हैं कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है, कौन जो मेरे को दादा करने फिल्म लागत के क्या इसने कितना मिल गया, फिर उसे आपको बताने वाले हैं। इसके बाद फिर हम कास्ट बताएँ कि फिल्म कौन है, इसने क्या किरदार अदा किया, फिर इसके बाद फिल्म की आखिर में पोस्टर भी बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया उनका नाम है सुकुमार। राइटर भी यही ही है सुकुमार। प्रोड्यूस्ड बाय जिसने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है वह है वाई नवीन, और उसके साथ वाई रावि शंकर भी इनका साथ दे रहे हैं और सी वी मोहन ने भी इनका साथ दिया। इस फिल्म में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो है जी रामचरण, उसके बाद समीटा इकी निंडी आदि पिनी सिटी। अगर सिनेमोग्राफी की बात कर ले तो सिनेमोग्राफी जिसने की है वो है जी और रत्थन वीलू। एडिट जिसने इस फिल्म को एडिट किया उनका नाम है नवीन लूली। म्यूजिक बाय देवी श्री प्रसाद। प्रोडक्शन कंपनी की बात कर रहे हैं तो मैथुरी मूवी मेकर। डिस्ट्रीब्यूट बाय अरोस इंटरनेशनल वाइड रील्स नीडेड। रिलीज की जो डेट है वो है जी 30 मार्च 2018। इसका जो रनिंग टाइम है वो 174 मिनट का है, यानी कि 3 घंटे के लगभग की मूवी है। भारत में इसको रिलीज किया गया, तेलुगु जबान में इसको रिलीज किया गया। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 60 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस भी किया। 60 करोड़ की लागत से 200 करोड़ का इसने बिजनेस किया। हम बात करते हैं कि इस फिल्म में कौन है जो क्या करता आपको नजर आएगा। दोस्तों, रामचरण बतौर चिलू बीना चिट्टी बाबू के रोल में आपको नजर आएंगे। समंथा बतौर राम लक्ष्मी के रोल में आपको नजर आएंगे। आदि प्रिंसिटी बतौर चिल्लू बीना कुमार बाबू के रोल में नजर आएंगे। जगपति बाबू बतौर सदर पुनीतर भूपति। प्रकाश राज बतौर MLA विक्षिणा मूर्ति। नरेश तौर को टैपू राव। रोहिणी बतौर गंतुम चट्टी बाबू कुमार बाबू चुन्नी की बाबू। दोस्तों, अगर इस फिल्म अच्छा जी, इसके अलावा और भी कुछ है नाम जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनमें दोस्तों अजय घोष बतौर शिशु नीडू, महेश चनाता बतौर महेश, शत्रु बतौर काशी कुमार बाबू और चन्नी चट्टी बाबू का खैर हवा
उमते शर्मा बतौर श्रीमना नाइन नागा महेश राम लक्ष्मी के वालिद के ऊपर छत्रपति शेखर बतौर गणपति एक सुनत चौपटी बाबू को भक्ति के बारे में खूब रहता है। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की तरफ नजर दौड़ाएं तो हम स्टोरी में ये देखेंगे कि एक मुख्तसर मजाज चिट्टी बाबू जिसकी समाज की जज्वी खराबी है एक गांव रंगा सतलम का शहरी है जिसके बाशिंदे इसकी पंचायत के जुल्म सदर भुक्ति के महताज शिकार है। चिट्टी बाबू जो अपने स्टूडेंट महेश के साथ मिलकर अपने दोस्त और नाम रखने वाले आंटी कोली रगमा की मोटर से गांव वालों के जराई खेतों को शराब करके रोजी रोटी कमाते हैं। अपने बड़े भाई कुमार बाबू की लिंच फोर्स के इलाके से अपने आबाई शहर वापस आने के बाद यहां वो मुलाजम के लिए गए थे। चट्टी बाबू हफ्ते के दौरान इनके साथ अपनी मोहब्बत का लहजा बर किरसरू की एक देहाती की फसल इस पर काबिज कर ली जाती है और इसके खानदान ने रंगा सतरंग की को अपरेट सोसाइटी से कर्ज लिया था। इसे वापस नहीं कर चट्टी बाबू एक देहाती के घर से सांप से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए राय लक्ष्मी से मिलता है और इससे प्यार करता है लेकिन अपनी खराबी को छुपाता है। कुमार बाबू को ये जानकर मायूसी हुई कि ऑपरेटिव सोसाइटी देहातियों की अक्सर की नाखानदगी का इस्तेमाल करते हुए दिए गए कर्जों पर ज़्यादा सूद वसूल करती है। इन्हें कर्जों के जाल में धकेलती है और इनकी फसलों या ज़मीनों को गैर अदाशुदा कर्जों के बहाने हथियार ये सब भुक्ति चलाता है जिससे गांव वाले डरते हैं। चट्टी बाबू आधी रात को रामा लक्ष्मी से मिलने के लिए इसे घर में घुस जाता है लेकिन छुपके से इसके घर वालों के हाथों पकड़ जाता है। चट्टी बाबू लक्ष्मी के वाले से कहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन रामा लक्ष्मी ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। हिम्मत नहीं थी जिसकी वजह से चट्टी बाबू इस वक्त करने लगे। इससे पता चलता है कि चट्टी बाबू की समाज की खराबी है और इसके लिए अपनी नापसंदगी बरकरार रखते हुए इसका पीछा करना शुरू कर दिया है। रामा लक्ष्मी इतनी पढ़ लिखी है कि इसके वालिद ने ऑपरेटिव सोसाइटी से जो कर्ज लिया था वो इसकी अनजहानी वालदा ने अदा किया था। कुमार बाबू को पता चलता है कि खातों को आस पास इसलिए बढ़ाया गया ताकि इससे ऐसा लगता है कि ऑपरेटिव सोसाइटी ने राम लक्ष्मी से कर्ज लिया कर्ज दोगुना कर्ज दिया था। कुमार बाबू का सामना को ऑपरेटिव सोसाइटी के मुलाजिम से होता है। इसके नतीजे में होने वाली तकरार में नादस्ता तौर पर इससे मार अगरचे लोग हिचकिचाते हैं वो कुमार बाबू की हिमायत करने का फैसला करते हैं और कुमार बाबू और चट्टी बाबू की जानब से ऑपरेटिव सोसाइटी की गैर मुनसफाना सरगर्मियों को बेनकाब करने के बाद खुद को वार्ड मेंबर नामजद करते हैं। चट्टी बाबू कुमार बाबू ने कुमार बाबू की हिमायत न करने पर रघुमा का सामना किया जिसके जवाब में इसने इंकशाफ किया कि वो जब गांव वालों ने भोगती किशोर और ईरा सर यू समेत इंतखाबात में हिस्सा लेने की कोशिश की तो इन्हें बेदर्दी से मारा जाता है। अपने भाई के बारे में फिक्रमंद चट्टी बाबू भोगती से इश्यू लेते हैं क्योंकि इस अमल की वजह से गांव वाले अकेले बंदमा से मिलने के बाद राजमंदरी से वापस आते हुए कुमार बाबू को भोक्ती के आदमियों के हमले का सामना करना पड़ता है जिन्होंने इसे बेदर्दी से छुरा घोंपा लेकिन चट्टी बाबू इसे बचाने में कामयाब हो जाता है और इसे सड़क के किनारे पर एक दुकान पर ले जाता है। जब चट्टी बाबू
एक भाई दिन रात के लिए कुछ सामान लेने गए थे। पहले से जख्मी कुमार बाबू को अब एक बार फिर बेनकाब होने की कोशिश कर रहे हैं। कुमार बाबू ने पहले ऐसा नाम बोलने की कोशिश करता है जिसे चट्टी बाबू अपने बहरेपन की वजह से सुनने में नाकाम रहता है। चट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने गांव वापस ले जाता है। सबको परेशान छोड़कर उन्होंने भर्ती घर में तबाही मचा दी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो चट्टी बाबू अपने बहरेपन की वजह से सुनने में नाकाम रहता है। चट्टी बाबू कुमार बाबू की लाश को अपने कंधों पर उठाकर अपने गांव वापस ले जाता है। सबको परेशान छोड़कर उन्होंने भोपती के घर में तबाही मचा दी, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो भाग गया। कुमार बाबू को इसके अहल खाना की तरफ से आंसू बहाकर आदमियों समेत अदा करने के बाद कत्ल के बारे में एक सुराग मिलने के बाद चट्टी बाबू परिसरा वजुहात की बिना पर दक्षिणा मूर्ति के पास गया। लेकिन इसका एक हास्य कास्ट होता है, चट्टी बाबू ठीक होने तक दक्षिणा मूर्ति की तरफ झुकते हैं। 2 महीनों के बाद चट्टी बाबू राम लक्ष्मी के साथ दक्षिणा मूर्ति से मिलने जाते हैं, जो अपने घर में मुकम्मल तौर सेहत याब हो चुकी है। जब दक्षिणा मूर्ति ने भोपती के बारे में दरख्त किया तो चट्टी बाबू ने इंकशाफ किया कि इसने शिकार करके इसे बेदर्दी से मारा था। इसके अलावा इसने इंकशाफ किया कि वो जनूबी मूर्ति के स्टूडेंट सेक्रेट आइन के पीछे चला गया, जिसने धमकी दिए जाने पर इतराफ किया कि कुमार बाबू कत्ल के बारे में कत्ल की मनसूबाबंदी करने वाले दक्षिणा मूर्ति थी। दक्षिणा मूर्ति ने ऐसा करने का इतराफ किया क्योंकि वो जांच 2045 और नहीं चाहता था कि किसी निजली जात के शख्स के साथ रुकवात में रहे। चट्टी बाबू आखिर और लाख लक्ष्मी के साथ अमारत से निकल जाता है जब वो और राम लक्ष्मी के साथ अमारत से निकल जाता है और जब पद्मा को वो अपने शोर के साथ आते हुए देखते हैं।